जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। मेरे को इस पेज से आना पड़ा, आई एम सॉरी। आप लोगों को मैं डाइवर्ट करा रहा हूँ इधर उधर, तो इस पेज से आना है क्योंकि मैं अब उनका वेट करता हूँ। मेरी उनसे अभी बात हुई थी फ़ोन पर, और मायू प्रसाद जी का आ गया है मेरे पास नोटिफिकेशन, कर दिया है मैंने उनको, ऐड कर रहा हूँ मैं उनको। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे महावीर साहब। नमस्कार महावीर भाई साहब। नमस्कार, जय भारत भूमि। जय भारत, जय भारत जी, जय भारत। राम राम आपको, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर राम राम, सलाम वालेकुम। थोड़े ज्वाइन हो जाएं अपने लोग, अपनी चर्चा शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं, आप आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करते थे, करते हैं अभी, आप रुक जाइए। मैं राजस्थान के 200 लोग हो जाएं करीब, अभी 100 लोग जुड़े हैं, 200-300 लोग जुड़ जाए जब तक अपन। हाँ, और आपका कैमरे को ना स्टिल रखिएगा महावीर भाई, कैमरे को स्टिल रखिएगा, कैमरे बदलिएगा मत ना, कैमरे को स्टिल रखिएगा। कोई कमेंट नहीं पढ़िएगा, कुछ नहीं पढ़िएगा कमेंट, किसी कमेंट का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये सब अपने भाई हैं, अपने लोगों को जानते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर अपन वेट कर लेते हैं, 5 मिनट। अभी 125 लोग हो गए, 200 लोग अभी 2-3 मिनट में हो जाएंगे। तो आप लोगों को एक ऐसी चीज पता लगेगी आज कि बहुत जरूरी है लोगों को पता करने, स्पेशली आज के युवा को ये बहुत जरूरी है। जहां तक अपने इनका सवाल है, महावीर जी मुझे लगता नहीं कि 24-25 साल से ज्यादा बड़े होंगे। आपकी उम्र क्या है महावीर भाई? 1990 का जन्म है, 16-10। 1990 का जन्म, 1990 को जन्म में मैंने मैं अपना कॉलेज पास आउट कर गया था, ठीक है ना, तब आप पैदा हुए थे। नहीं, आपका आपका एमकेडी में कई दिन से स्वागत है। बहुत आपने अच्छा एक अच्छी सोच को जोड़ा है, जिसका आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा कि इससे आपको क्या फायदा हुआ है अपनी निजी जिंदगी में। तो 189 नहीं, पता लगा जिंदगी में, जिंदगी में पता लगा, तभी तो मैं मतलब आपको जो गालियां दे रहा था वो आदमी आज आपसे बात कर रहा है। गालियां आप मुझे देते थे, मुझे पता है आप मुझे गालियां देते थे, कोई बात नहीं, हर किसी से गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन इंसान है, जब तक इंसान अपनी गलती मान लेता है वही महान होता है, जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 213 लोग हो गए, अब आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। 10 मिनट ही आपके पास है स्टेज, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे को कहीं भी क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं अपनी उंगली उठाऊंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। आप क्या करते थे? नहीं, आप ही पूछेंगे और मैं सबका जवाब दूंगा आपको। अच्छा, चलिए आप ये बता दीजिए कि अब आज की तारीख में आप क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल क्या है आप? नहीं, अभी तो खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और सारा काम धंधा जो भी आईटी सेल में जॉब करता था वो तो मैंने आज से 6-7 महीने पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, कौन सी आईटी सेल में आप काम करते थे महावीर भाई? अशोका रोड दिल्ली में, बीजेपी। बीजेपी में। ये कैसे चलती है आईटी सेल, ये क्या होता है उसका मोडस ऑपरेंडी, इनका क्या, इनकी क्या सोच है, और ये क्या क्या करवाते हैं, और वहां पे कितने लोग काम करते थे आपके साथ? 300 लोग थे पहले, प्रशांत किशोर भी था ना इसका हेड, जिसने उसके बाद अरविंद गुप्ता आया, हाँ कांग्रेस ज्वाइन किया, हम उसके साथ में ही थे, उसी टाइम में मैंने ज्वाइन किया था प्रशांत किशोर के साथ में। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, मतलब क्या होता है आप लोगों का? उसके बाद में उसके बाद में अरविंद गुप्ता जी आईटी सेल के अध्यक्ष बने थे, बीच में अमित शाह ने एक बार आईटी सेल भंग कर दी थी, फिर वापस ज्वाइन करवा ली थी, उसके बाद अभी अमित मालवीय जी। तो ये क्या होता है आप लोगों को? तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या मिलते हैं सुबह? मतलब वहाँ पे ये होता है कि सोशल मीडिया पे मतलब कब्जा करना रहता है इनका, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, न्यूज वेबसाइट हो, जितने पेज हो, आर्मी वाले पेज हो, आर्मी फॉलोअर पेज, जो फैन पेज होते हैं ना, वो सारे हर किसी का फैन पेज बना लेते हैं, जिसका भी ट्रेंड चलता होता है, और उससे अपना बीजेपी का प्रोपगेंडा चलाना उनका मतलब मेन मकसद रहता है, कि वोटों में कन्वर्ट करना है सबको किसी भी तरह से, भले ही उसके लिए सांप्रदायिकता कुछ भी लिखना पड़े, एक्स वाई जेड, कुरान, रामायण, महाभारत, कुछ भी छेड़ना पड़े। आप लोगों की, अगर मैं पूछ सकता हूँ, आपको नहीं बताना है मत बताइएगा, आप लोगों को कितना रुपया महीना मिलता था इस काम? 30,000 मेरे को मिलता था, बाकी कई लोगों को ऊपर की पोस्ट को ज्यादा भी मिलते हैं। 30 करोड़ों खर्च होता है इसमें। 30,000 रुपए महीना, 300 आदमियों पे, 300 आदमियों पे करोड़ों अरबों खर्च होते हैं। मतलब 300 आदमी अगर हैं तो अपन लें कि 20,000 भी पड़ रहा है तो 6 लाख रुपए महीना, 6 लाख ही हुआ ना? नहीं, 30,000 का, 30,000 पर आदमी को, 300 आदमी को, प्लस खाना, खर्चा, रहना, गाड़ी भाड़ा, जो भी जितना भी मेट्रो सेट्रो में लगता है वो सब। अच्छा, मेट्रो कार्ड भी मिलता है ना? अच्छा, तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है, इस प्रोपेगेंडा को कराने से क्या फायदा होता है बीजेपी को?
वोट में कन्वर्ट कराने, बस देश में लोगों ऐसा माहौल बनाना है देश में कि जैसे मतलब हिंदुओं में डर पैदा कर दो मुसलमानों का, और मुसलमानों में डर कर दो हिंदुओं का, और जाटों में कर दो दलितों का, दलितों में कर दो जाटों का, जाटों में राजपूतों का कर दो, राजपूतों में जाटों का कर दो, ऐसा माहौल बनाते हो। क्योंकि इस पे इस मामले में मेरे पर एक केस भी चल रहा है, मेरी मेरी वजह से, एक पोस्ट की वजह से, यहाँ हमारे पड़ोस में ही, जैसे ये हमारे यहाँ पड़ता है इसे नागौर तहसील में डेगाना, डेगाना में मेरे कारण 2012 में एक दंगा हो गया था, हालांकि जान जान नुकसान नहीं हुई थी किसी की, माल माल नुकसान हुआ था, ये जो दंगे का अभी जो भुगत रहा हूँ मैं प्रोपेगेंडा वो। होता है, ये जो दंगों का प्रोपेगेंडा होता है, इस ये कैसे कराते हैं? सोशल मीडिया से कैसे होता है दंगों का प्रोपेगेंडा? अभी समझिए, जयपुर में दंगा करवाना है, अब कैसे मान होता लो है? किसी के भी मतलब कुरान के ऊपर सबसे उल्टी लिखो, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई भावुक ज्यादा होते हैं और हिंदू भाई कम भावुक होते हैं, हिंदुओं के लिए कुछ भी लिख दो आप उतने भावुक नहीं होंगे जितने हमारे मुसलमान भाई हो जाते हैं, इनकी पता नहीं हो सकता है ये हमारे से दिमाग में या तो होशियार है या कमजोर है इस मामले में। देखिए, ये इसलिए होता है, ज्यादा भावुक हो जाते हैं आदमी जब बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना किसी आदमी में, वो ज्यादा भावुक होता है। जब आदमी अपने में होता है ना, बहुत सॉलिड होता है, सक्षम होता है पैसे से, वो भावुक नहीं हो सकता इतनी जल्दी। ठीक हाँ पे वो तो नहीं हो सकता, लेकिन गरीब आदमी यूज होता है इसमें है, सबसे राइट, ज्यादा, भावना में धर्म का डर सबसे ज्यादा गरीब आदमी को, तो अमीर के लिए कोई लागू नहीं है। सही बात है। तो आप अमीरों को मैंने ऐसे ऐसे अमीरों को देखा है कि कोई किसी में शादी करता है, कोई किसी में करता है, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, गरीब आदमी किसी ओथर गोथर से भी शादी कर लेता तो घर में ऑब्जेक्शन उठ जाते। लोग जैसे आप लोगों की क्या होती थी सुबह, आप लोग कितने बजे पहुंचते हो वहां पे? फिर आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आज तुम्हें ये पेज, आप जैसे पर्सनली कितने पेजेस पे करते थे पोस्ट कि लोगों के बीच में ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जाए? कितने पेजेस आपके हाथ में थे? बहुत सारे पेज हमने तो बहुत सारे, अभी मैं आपको नाम बता दूं, ऐसे मुल्ला सुल्ला टाइप के बहुत सारे पेज बना रखे थे हमने तो। अच्छा, वो आप लोग बनाते हैं? इसके अंदर कोई भी मुसलमान नहीं बनाता ये पेज, आप लोग बनाते हैं पेज और ये क्रिएट करते हैं? हम वहाँ बीजेपी आईटी सेल के बनाते हैं सारे लोग जितने भी, एक दूसरे का क्रॉसिंग शेयर भी करते हैं, जैसे इनका सबसे बड़ा पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, 1.5 करोड़ लाइक है उस पेज भी, उस पेज के क्रिएटर में एडमिन में मैं भी शामिल रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोग मतलब मॉर्निंग में कितने बजे काम शुरू करते हैं? जैसे सुबह 8 बजे से शुरू कर देते हैं? सुबह नहीं, सुबह 10 बजे शुरू करती है, शाम को 8 बजे बंद कर देती है। शाम को? अच्छा, कई लोगों के जो लाइव जाते हैं उन लोगों के ऊपर भी आप अभी लोग? अभी हमारे अभी अभी हमारे जो मेरे को सबसे पहले बीजेपी आईटी सोल में जो नौकरी लगाए थे, वह लोग सोलंकी जी मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, देखिए साहब, जो भी है ये देश हित की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी हित की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है आलोक भाई साहब, तो देश पहले आता है, कोई भी पार्टी बाद में आती है। नहीं, इनको इनको पता है, इनको पता है, सब अच्छी तरह से पता है आलोक भाई को। क्योंकि देखिए, जान माल का, गरीब का ही नुकसान होता है। अमीर जो अंबानी साहब लोग हैं और ये लोग तो बैठे रहेंगे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खेत खलियान उन्हीं के जलेंगे, गरीबों के जलते हैं, गरीब ही तकलीफ में है। तो अब क्यों है तकलीफ में, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ अज्यूम कर लेना कि बीजेपी ऐसे करा रही है, ये कर रही है, इससे फायदा नहीं होगा। अब तो बीजेपी के आईटी सेल में जिन्होंने 3 साल नहीं तक, बीजेपी नहीं, सबकी आईटी सेल है, बीजेपी आईटी सेल की कोई बात नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की बिल्कुल, भी आईटी सेल है, जैसे हमारे एक आपके आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी एक दोस्त होंगे कोई टाइम में यूट्यूब ब्लॉगर थे अभिषेक मिश्रा जी, हाँ मेरे फ्रेंड लिस्ट में है अभिषेक। हाँ वो कांग्रेस की आईटी सेल हैंडल करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल अंकित कुमार हैंडल कर रहा है अभी, हलवा क्लब इंसिस पोस्ट नाम की एक वेबसाइट है, इंसिस पोस्ट न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज। कमाल की नॉलेज है आपको यार, सॉलिड, आपकी आपकी ये नॉलेज से। अच्छा, आज की तारीख में जब जब युवा वहां पे 3 साल काम कर लिया और बीजेपी अभी में, अभिषेक अभिषेक अभी अभी अभिषेक भाई की चल रही है वायरल इन इंडिया डॉट नेट। ठीक है कोई बात नहीं, अपन उनकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि अब 3 साल आपने वहां पे निकाल दिए, अब आपके 3 साल वहां पे आपने क्या कमाया, क्या खोया? खोई तो इंसानियत थी, बाकी कमाया तो वो कोई काम का नहीं है पैसा, उससे कुछ नहीं होना है, 30,000 से कुछ भी नहीं होना है, इंसानियत खोई थी। जमीर बेच के इंसानियत खोई, ये बात है सबसे बड़ी बात है, इंसानियत खोई, और अंदर से मतलब है कई बार तो ऐसा रोना आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो पाप की जो बात होती है अपने हिंदुइज्म में होता है ना कि पाप की, हाँ जो हाँ वो कि अगले जन्म का क्या सजा मिलेगी, लेकिन अगला वगला कुछ भी नहीं है, यहीं पे मिल जाएगी जो मिलनी है। नहीं आपको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि आपने दिल खोल के बात करी है और लोगों को बताया है। अभी 900 लोग देख रहे हैं आपको, 858 लोग, इसमें कोई भी आपको बुरा नहीं कहता है, कोई, सबका काम होता है, सबका बिजनेस था, आपने भी कोई बिजनेस चालू किया,
आप उसको समझ गए कि बिजनेस गलत है और आपने बिजनेस को बंद कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं मैंने खुद का भी एक वेबसाइट बना रखा था उस टाइम पे, बीजेपी आईटी सेल में था, भारत की टॉप 100 वेबसाइटों में एलेक्सा में शामिल हो गई थी, जो अमेज़न की एलेक्सा काउंटिंग करती है उसमें, उसका नाम था awarepress.com, मैंने वो बंद ही कर दी पूरी। अब आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का युवा है, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो ये सब करते हैं, क्या मिलता है इससे, क्या है मतलब, क्या इससे देश टूटेगा? कुछ भी नहीं मिलना, जितना कुछ भी नहीं जुड़ेगा इनका, मतलब बहुत भयंकर आने वाले टाइम में परिणाम देखने पड़े। वैसे आज परिणाम इन लोगों को देख ही रहा है कि जैसे तालिबान ने वहां अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी थी, वैसे ही आज दक्षिण भारत में हो ही रहा है। आज सुबह से वहां 13 जिलों की ब्लॉकिंग लग रखी है, इंटरनेट सब बंद है त्रिपुरा में। अच्छा एक बात बताइए, जब ये इंटरनेट बंद हो जाते हैं तो उस टाइम बीजेपी का जो आईटी सेल है वो किस तरह काम करता है? समझिए इंटरनेट अभी बंद कर दिए त्रिपुरा में, तो अब इनका क्या काम? अशोक रोड में इंटरनेट बंद नहीं होता है, और खाली इंटरनेट अभी त्रिपुरा की बंद हुई है और पूरे भारत में चालू हो रही है। तो इन लोगों को मेन टारगेट अभी, जैसे ये मूर्ति वाला कांड हुआ है ना, तो इन लोगों को किसी भी तरह से उसको मतलब गद्दार भारत से बाहर का कैसे भी घोषित करना है उसको लेने इनको। अच्छा ये क्या प्रोपेगेंडा होता है महावीर भाई कि और इनका इनका मूल मकसद क्या है कि भारत भारत के इतिहास को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के, किसी भी तरह से उल्टा सीधा मनमर्द लिख के भी पेश कर दो, बस लोगों में वो दिमाग में बार बार, जैसे ना मैं एक आदमी को अच्छी तरह फॉलो करता हूँ जिनका नाम था राजीव दीक्षित जी, तो वो बात बोलते थे कि जिनको बार बार एक ही चीज को आप 100 बार 500 बार 1000 बार दिखाओगे ना, तो वो लास्ट में आपको सच लगेगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी अभी मेरे पहली वाली पोस्ट में काफी लोग आ रहे थे कि भाई तुम मुसलमानों के साथ हो गया, मार देंगे, काट देंगे, फलाड़ देंगे, तो ये कई गांव में तो हमारे यहाँ मुसलमान है नहीं, तो वो लोग भी फेसबुक पे जुड़े होते हैं ना, वो सोचते होंगे सारे ही गंदे होंगे, मतलब उनके दिमाग में बार 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 ये चीज बिठाएंगे, तो वो सोचेंगे कि सारे मुसलमान गंदे है, जबकि मेरे घर के पड़ोसी सारे मुसलमान है, मेरा मोहल्ला ही मुसलमान। सबसे बड़ी आपको मैंने होली के दिन एक चीज भेजी थी जी, बहुत बढ़िया, कि मेरे गांव में होली का प्रोग्राम राजस्थान का सबसे बड़ा टॉप प्रोग्राम होता है, अगर आप राजस्थान टूरिस्ट में आते हैं होली के टाइम में मेरे गांव नहीं आ सकते, तो आपका 90% टूरिस्ट कोई काम का भी नहीं रहता, आपको भाईचारा देखना हो तो एक बार यहाँ वो मुसलमान होली करवाते हैं यहाँ। वाह, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया था बीजेपी आईटी सेल में कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशद्रोही है, ये क्यों था, कि कैसे सेटअप किया था, क्या रीजन था इसका ये बोलने का? सेटअप तो इन लोगों ने नहीं, जैसे एक दो आतंकवादी सब जगह होते हैं, जैसे अभी इनमें भी एक दो दीक्षित विकसित पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में, तो उनकी तो बात होती, तो ये लोग है ना कि ये उनकी नहीं होती ना, ये लोग मामूली सी कोई गलती होती है ना उसको बढ़ा चढ़ा के पूरे समाज पे थोपने का काम करेंगे। अभी आप हरियाणा में देख लो, इनके बस का चला नहीं हरियाणा में, पूरे हरियाणा में हिंदू मुसलमान तो इनके बस का हुआ नहीं, तो जाट ऑथर करवा दिया। जो हरियाणा में जाट और इनका हुआ था पूरा का पूरा, जो मरुथल जगह है ना, मुझे याद है जैसे मरुथल, वहां पे क्या प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई क्या था, वहाँ कोई कांड भी नहीं हुआ, वहाँ कोई कांड नहीं हुआ, सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। एक तो कोई पत्रकार था जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं है, उसने एक न्यूज छापी थी कि यहाँ रेप वेप हुआ, जबकि उसका कोई विक्टिम नहीं बोला अभी तक। नहीं कुछ एनआरआई थे जिनकी जिनकी लेडीज का रेप तो हुआ था, कुछ एनआरआई लेडीज थी जिनका, नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ टीवी पे आई थी, हो सकता है, लेकिन ये नहीं, ये मुरतल कांड वाला था, एकदम पूरी तरह से प्रायोजित था, ये पूरा मीडिया आईजेक करके मीडिया में ये सारा करवाया था, हालांकि आपको पता हो रवीश ने नहीं दिखाया, बाकी सब चैनल ने दिखाया इस चीज को। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए, ये जितने भी हिंदूवादी पेज चल रहे हैं आज की तारीख में, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सब करते हैं, ये क्या इन लोगों को बीजेपी, ये सारे 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 अशोक रोड से चलते हैं, हिंदू राष्ट्र से, हिंदू अखंड राष्ट्र, फलाना आर्यावर्त, भारत खंड, ये जितने भी अलग अलग जितने भी पेज चलते हैं ना, लगभग बीजेपी आईटी सेल से 20,000 पेज चल रहे हैं अभी, और जिनकी टोटल की लाइक कम से कम अरबों में। नहीं अच्छा, आर्मी के नाम से भी आर्मी के नाम से भी 40-50 पेज चल रहे हैं आर्मी के नाम से। हाँ जी, इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, ऐसे करके भारतीय सेना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, सब में, जिन पे 50-50, 20-20, 13-13, 40-40 लाख फॉलोअर है। ये तो बहुत खतरनाक है मामला पूरी, मतलब जब मैं बोलता हूँ मारक जुबरबर्ग जब तक इन पे वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट एंट्री नहीं करवाएगा, जब तक कि फेसबुक बिना पासपोर्ट के या आधार कार्ड के फेसबुक ही नहीं बनेगा, तब तक ये फर्जीवाड़ा बंद नहीं होगा। मेरे पास 200 लोग इन है अभी मेरे पास, देखो खुद के पास। देखो महावीर भाई, मार्क जुकरबर्ग ज्यूइश आदमी है, ज्यूइश आदमी लोग क्या है कि उन लोगों के लिए बिजनेस, उसको बिजनेस से मतलब है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज बिजनेस होती है, धंधा।
अब उनको डेढ़ सबसे बड़ी धंधा 130 करोड़ मतलब 100 करोड़ 80 करोड़ 70 करोड़ अगर एक जगह अकाउंट मिल रहे हैं वो क्यों बंद करेगा? वो नहीं बंद करेगा मगर अपने आप को क्यों बंद करेंगे? विज्ञापन विज्ञापन सारा खेल विज्ञापन का है ना। हाँ, सारा खेल। अच्छा दूसरी बात है ना, बीजेपी आईटी सेल का खर्चा भी खर्चा जो निकलता है ना 100 करोड़ में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका खर्चा भी इंटरनेट से निकाल लेते हैं, गूगल विज्ञापन से, एडसेंस से। राइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये छोटे मोटे जो अपने आज की तारीख में हिंदूवादी पेज चलते हैं, मैं अभी हिंदुओं की बात करूंगा क्योंकि आप और मैं हिंदू हैं और हमें अपने घर की सफाई करनी है, जितने मुस्लिम है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इन मुस्लिम भाइयों को, मैं कई बार पोस्ट लिखता हूँ कि मुस्लिम भाइयों जो भी मैं पोस्ट लिखूँ ना मेरी आईडी में, अगर सार्वजनिक पोस्ट हो तो उस पे आओ, अगर मैं अपने परिवार की अपने समाज की सफाई कर रहा हूँ तो उस पे आप कमेंट मत करो, आप अपने समाज की सफाई करो, हम अपने समाज की सफाई करेंगे तब पूरे देश की सफाई होगी। यही सही। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ये कुछ पेज चलते हैं जैसे उपदेश राणा का पेज है, अमित जानी का है और इनके पेज, इनको भी सपोर्ट है क्या बीजेपी आईटी सेल से? बीजेपी आईटी सेल प्रमोट करती है ना इनके यूट्यूब से, इनके वीडियो जितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इनके, इनके जितने वीडियो डाले जाते हैं वो भी इनके ही है, आईटी सेल से चलते हैं अलग अलग नाम से। अलग नाम से कैसे चल सकते हैं? अभी जैसे इसके अंदर उपदेश भाई का कोई वीडियो आता है जो बहुत ही तड़कता भड़कता वीडियो है, इनके लाइव पे हाँ, एक साथ 5-5 हजार 6-6 हजार आदमी कैसे जुड़ते हैं इनके लाइव पे, क्या है चक्कर? वो सब शेयरिंग करवाते हैं, आपके भी जुड़ जाएंगे, जैसे आप अभी लाइव चल रहे हो तो आप अपने मतलब स्ट्रॉन्ग टीम का एक ग्रुप होता है कि आप सब लोगों को, जैसे अभी मैं हमने एक ट्रीटमेंट किया था गुजरात में हार्दिक पटेल के पेज पे, एक एक साइड में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद से लाइव चल रहे थे, एक साइड में हार्दिक पटेल लाइव चल रहा था, मोदी जी के पेज पे 4 करोड़ लोग जुड़े हुए जिसमें 4600 लोग लाइव देख रहे थे, और हार्दिक पटेल के पेज पे 8 लाख लोग जुड़े हुए जिसमें से 65 लाख लाइव देख रहे थे, 65 लाख नहीं सॉरी 65 हजार। और ये रियल में लाइव देख रहे होते हैं या एक इल्यूजन है लाइव का, ये रियल में होता है कि? नहीं नहीं रियल में, ये रियल में होते हैं, जैसे अभी आपके चलते हुए लाइव में नीचे शेयर का बटन आ रहा है उसपे, वो क्या करते हैं कि 30-30 ग्रुप ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप 30 ज्वाइन कर लो जिसमें पब्लिक पोस्ट जा रही हो, अभी आपकी लाइव चल रहा है नीचे शेयर का बटन आ रहा है, इस पे शेयर पे बटन पे करते हैं नीचे शेयर ग्रुप ऑप्शन आता है, इस पे ग्रुप पे आते ही 30 के 30 ग्रुप आ जाएंगे एक साथ में, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप मारा कर दो 30 ग्रुप में चली जाएगी, और 30 ग्रुप से सारे लोग एक साथ में आपकी आईडी में जितने लोग देख रहे हो अचानक बढ़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतने लोग कहां से आ गए। तो इसकी जो टाइमिंग भी होती होगी ना कि अब ये मैं 6 बजे करूंगा, मैं 7 बजे करूंगा, जैसे शाम को 8 बजे करूंगा जब लोग, वो सब पहले सेटिंग करनी होती है, जितनी अपनी आईटी टीम होती है सबको बोलने, वो क्या है जैसे आपको बताऊं कि आईटी सेल में साथ में मोबाइल भी दिए जाते हैं, 10-10 मोबाइल पर बंदे के पास रहता है और 10-10 आईडी लॉगिन रहती है, अब आपको मैं एक उदाहरण दूं कि मेरे पास 10 आईडी है, 5-5 हजार उसमें फ्रेंड हुए, कितने हुए? सही है, ये तो बहुत नंबर्स तो बहुत बड़े, और 2-2, 3-3 लाख मेंबर के, 5-5, 7-7 लाख मेंबर के ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुपों में 30 ग्रुप, हमने मान लो 10 मोबाइल से 10 आईडी से 30 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, और 30 ग्रुपों में 3-3 लाख से काउंटिंग करो कितने आदमी जुड़े, 3-2.5-3 करोड़ आदमी तो ग्रुपों में हो गए एक साथ में, मैं 10 मोबाइल से आपकी लाइव को शेयर करूंगा 10 मोबाइल से डपा डप, और 300 आदमी एक साथ 10 मोबाइल से करेंगे तो कितना हुआ, अचानक ट्रैफिक आ जाएगी। एक मिनट में आपको रोकूंगा रान भाई, मैं अभी बात कर रहा हूँ इनसे, मेरी बात का जो एक वो है वो मूव है वो टूट जाएगा और एक साथ फिर ये जुड़ेंगे भी नहीं, तो मैं पहले इनसे बात कर लूँ फिर अपन बात कर लेंगे। अच्छा जितनी भी ये आईडीज बनती है जो फेक आईडी होती है जिसमें ये लोग देवी देवताओं की फोटोग्राफ लगा देते हैं महावीर जी, तो उसका कैसे होता है? बना लेते हैं ना, आपकी भी बना लेता हूँ मैं, जैसे मेरे को बनाना हो आपकी आईडी की, अभी डांडिया एक ब्रांड है इनकी आईडी बना लो, भले ही अभी डांडिया को पता ही नहीं कि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। नहीं ये फेक आईडी की जो जैसे देवी देवताओं की फोटोग्राफ लगाते हैं और बाकी इनका कुछ नहीं होता, हम देखते हैं अंदर जाके, ये फेक आईडी होती है क्या? हाँ लगभग फेक ही होती है, जिसमें फ्रेंड और खुद की निजी विचारधारा नहीं होती है वो लगभग हर आईडी फेक ही रहती है। ठीक है, अब आपकी फ्रेंड लिस्ट में जैसे मैंने आज मेरी आईडी की सुबह सफाई की थी, उसमें से 300 लोगों को हटाया था जिनकी आईडी में प्रोफाइल और कवर के अलावा कुछ भी नहीं, तो ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है जितने लोग हैं जो देख रहे हैं कि कैसे फेक आईडी। मैं जितने लोग देख रहे हैं ना कि सबसे पहले तो मैं जितने लोग अभी एक एक भाई साहब आपकी फ्रेंड लिस्ट में जिनकी आईडी एक हुई थी थोड़े दिन पहले, उसके आगे नाम उल्ला मुल्ला कर दिया कुछ। हाँ, अतिश्याम भाई। हाँ तो उनकी आईडी को एक कैसे किया वो भी बता दूं, उनकी आईडी में क्या था कि अबाउट में मोबाइल नंबर दिख रहे थे उनको सार्वजनिक रूप से सबको, कई कई आईडी है ना प्राइवेसी नहीं करते तो मोबाइल नंबर सामने दिख जाते, और सबसे ज्यादा ग्रामीण आदमी जो नया फेसबुक आता है ना मोबाइल नंबर कोई पासवर्ड रख लेता है,
करेक्ट। और वो मेरे को आपका मोबाइल नंबर दिख गया, मैं मोबाइल नंबर उठाया, कॉपी मारा और दूसरी मोबाइल में लॉगिन मारा, पासवर्ड भी वो सेम लगाया, खुल गई तो हमारी नहीं, तो जयराम जी की। तो आपको आपको मैं है ना दिखा आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास 300 आईडी पड़ी है अभी, तो ये तो जबकि बहुत मैंने उनमें कोई छेड़खानी नहीं की है, सीधा मोबाइल नंबर से लॉग इन करके छोड़ रखी है कि ये आईडी मतलब इतनी सिक्योर नहीं है, और वो खास करके मेरे गांव की है, लगभग 150 आदमी तो मेरे गांव के है उसमें। बेरोजगारी ज्यादा लाएगा ना कि रोजगार के लिए, ये तो इस तरह तो दो दो साल रोजगार काम। कुछ रोजगार कुछ भी नहीं है, अब रोजगार तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और इसका है ना, जितना ये आईटी सेल जितना भारत के नुकसान कर रही है ना, उतना तो पाकिस्तान से 3-4 बार हमला हो जाए तो भी नहीं होगा, ये आंतरिक नुकसान बहुत भयंकर हो रहा है। ये बात आप लोग बहुत जरूरी है समझना, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात अपने देश की है, ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये बात हिंदू अपने देश की मुसलमान है। की हिंदू मुसलमान की होती तो मैं आपसे नहीं जुड़ता। आज से 6 महीने पहले तक मैं आपके इनबॉक्स में आपकी आईडी पे कितने कमेंट पे कितने गालियां देके गया, आपको भी पता होगा। बीजेपी आईटी सेल ने, एक बात सच बताना, बीजेपी आईटी सेल ने कितनी बारी मेरी आईडी को हैक करने की कोशिश करी है, या आपने करी है खुद ने? नहीं, मैंने करी नहीं है, लेकिन गालियां देने का तो होता था कि इस आदमी को सुधारो किसी तरह से। अच्छा, मेरे को सुधारने की कोशिश करता था बीजेपी आईटी सेल। और अभी तो मैं आपको, आपने जो बैंक वाला डाटा रिलीज किया था ना, हाँ जी, उसके बाद तो आपकी पूरी जितनी भी हम लोगों की कवर फोटो लगी है मोहब्बत के दंगे, सारे के सारे आईपी ट्रैक कर रही आईपी ट्रैक कर रहे हैं हमारी। है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा प्यार के अलावा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारी आईपी ट्रैक करके क्या पता कर लेगी? हमने तो जो बोला है सच बोला है, अब तो उसको झूठा साबित करके दिखाए। हाँ, बस झूठा साबित करके दिखाए। हम तो प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, मोहब्बत के दंगे गली गली में कराएंगे, कुछ भी कर लो तुम लोग रोक नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया, आज मौका मैं ही आया हूँ, बीजेपी आईटी सेल से सैकड़ों बंदे आएंगे इसमें आपके साथ, एक एक करके लाऊंगा सबको मेरे साथ नहीं आने का, सोच के साथ आने का। इस अभियान में, इस अभियान में लाऊंगा मैं इस अभियान में, कि भाई साहब तुम भारत को बर्बाद क्यों कर रहे हो, कैसे भी उनको समझाना पड़ेगा। ये ठीक है, कई लोग हालातों की वजह से है, जैसे मैं वहां गया था तो मेरी हालात की वजह से गया था, क्योंकि बेरोजगारी है, कहीं नौकरी जॉब तो है नहीं। ये मुकेश जी देख रहे हैं नीचे, इनको पता है मुझे अच्छी तरह से स्थिति का। तो इसके अंदर रिक्रूटिंग कैसे होती है महावीर जी? जैसे मुझे समझो बीजेपी आईटी सेल में काम करना है, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा, कैसे होता है? इंटरव्यू होता है, क्या होता है इसमें? नहीं, इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता, आपकी कलम देखी जाती है, आपकी हिंदी की अंग्रेजी की पकड़ देखी जाती है, आपके बोलने का टैलेंट देखा जाता है बस। तो वो तो हो सकता है कुछ कांग्रेस वाले भी बीजेपी आईटी सेल में नौकरी कर रहे हो और वो कांग्रेस को रोज पकड़ रहे हो। रोज होता है, रोज होता है उनका तो आपस में से नहीं। कांग्रेस बीजेपी को आप अलग क्यों मान रहे हो? हम तो इधर से उधर आते हैं, उधर से इधर आते हैं। कांग्रेस में, कांग्रेस के आईटी सेल वाला जब बंदा नाराज हो जाता है कि पेमेंट नहीं हुआ, बीजेपी में जा रहा हूँ, दूसरे दिन बीजेपी आईटी सेल के हेडक्वार्टर में मिलेगा, एक दिन 14 अकबर रोड पे मिलेगा, दूसरे दिन 1100 करोड़ मिलेगा, अभी तो नया हेडक्वार्टर हो गया वहां मिलेगा। तो अब जो नया ऑफिस बनाया है अभी बीजेपी ने 1500 करोड़ रुपए खर्च करके, उसमें यही काम ज्यादा होंगे। हाँ, ये उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर लगाए गए हैं, और अब तो बीजेपी आईटी सेल है ना, 300 बंदे नहीं, कम से कम 3,000 हायर करने वाली है। तो ये है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, यही तो था मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। तो ये है डिजिटल इंडिया, सच बात ये है। आप लोग अपना ध्यान रखें, मैं आप लोगों सबको ये बता रहा हूं, मेरे हम नहीं, वतन मुझे 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 बुलाओ। मुझे पता है, मेरे को धमकियां भी आती है, सब आती है, मुझे वो डर नहीं लगता, क्योंकि मैं गांव का देशी आदमी हूँ, ठेठ आदमी, यहाँ पे उनकी नहीं चलनी है बिल्कुल भी। आपके साथ जिसकी फोटोग्राफ आती है ना बहुत ज्यादा, हनुमान बेनीवाल, वो मेरे साथ 2 साल जूनियर था मेरे कॉलेज में, और उसको अध्यक्ष का चुनाव हम लोगों ने लड़वाया था, वो मुझे बहुत छेज नहीं, रहा वो था। हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे रिश्तेदार है। मेरे घर के पास ही रहता है वो, एमएलए क्वार्टर के अंदर जयपुर में, मेरा घर गोपीनाथ मार्ग पे, नंबर 8 नंबर की बिल्डिंग। तो मैं उसको नहीं, बहुत उनको तो पूरा 1987 से राजस्थान, जानता पूरा हूँ। राजस उनको पूरा राजस्थान का सिर्फ आरएसएस के एजेंडे में जो फंसे हुए हैं उनको छोड़कर बाकी सब सपोर्ट कर रहे हैं अभी। देखिए बढ़िया बात है, जो भी है, देखिए हमें हमें किसी से लेना देना नहीं है, ना आरएसएस से ना किसी से, हमें लेना देना है सच और झूठ से। झूठ के साथ आप जैसे युवा के 3 साल बर्बाद करना 30,000 रुपए महीने में,
और मैं तो है ना मोदी जी की इतनी इज्जत करता हूँ जितनी अब बिल्कुल भी करता बिल्कुल हूँ मैं मोदी जी की। जो मोदी जी गलत नहीं है, इनके नीचे गलत काम हो रहा है वो इनको पता भी नहीं चलने देते। यहाँ तक कि आप कुछ भी मोदी जी के पास पहुंच ही नहीं सकते। मैं देखो ना, वहां इतने दिन रहा, एक बार भी मोदी जी के साथ में नहीं बैठ पाया, जबकि मुख्यमंत्री थे तब 3 बार मिला था। तो मुझे और बताओ आपके अंदर ये बीजेपी आईटी सेल में, और बताओ जो भी अच्छा, इंफॉर्मेशन। इस बीजेपी आईटी सेल में सिर्फ है ना जिनको सुपर 150 बोले जाते हैं, सुपर 1150, सुपर 150 लोग है वो लोग मिल सकते हैं, हम लोग नहीं मिल सकते। जितने 150 के बाद में जिनका भी नंबर आता है वो नहीं मिल सकते किससे नहीं मिल सकते? इसमें, अपने मोदी जी से और अमित शाह से। अच्छा ये मोदी जी, कुछ ट्विटर हैंडल्स की बात आई थी कि जो गलत सलत आदमी उन लोगों को फॉलो करते हैं, क्या ये बात सही है क्या, और क्यों करते हैं अगर करते हैं तो? वो है ना, वो सब कई बार स्क्रिप्ट से जो भी फेक फॉलोअर लाने के चक्कर में हो जाता है। अच्छा एक इसके अंदर तजिंदर बग्गा करके हैं एक, उनका क्या रोल होता है? अच्छी अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उनके साथ में 2012 में हमने बांग्लादेशी भगाओ अभियान छेड़ा था। बांग्लादेशी भगाओ अभियान। अच्छा उसका क्या रोल हो, क्या रोल भगाए होता तो है उसका? भगाए तो नहीं, उनके साथ सांठ गांठ करके सरकार बना लिया आसाम। ठीक है वो, चलो वो पॉलिटिक्स की बात है, हमें राजनीति से मतलब नहीं। एक ये चीज बताइए, जैसे इसके अंदर अमित मालवीय है आज की तारीख में, इसको कितना रुपए महीना मिलता होगा आपके हिसाब से? ये खुद एक बिजनेसमैन भी है, और इस बीजेपी का सारा जितना आईटी सेल से रिलेटेड जितना बजट होता है सबसे पहले इसके हाथ में आता है, जिसका हमें भी आंकड़ा नहीं है। एक ये लगभग करोड़ों का कितना खेल है। कितना आइडिया, कितना एक महीने में कितना बजट होगा बीजेपी आईटी सेल का? बीजेपी आईटी सेल है ना, हेडक्वार्टर पे तो 300 लोग बिठाती है, लेकिन राज्यवार बिठा रखी है, बाकी कई घरों में भी बिठा रखे हैं ना, टेंडर दे रखे हैं ग्रामीण स्तर वाइज, जिला स्तर वाइज, इनकी जितने भी कमेटियां बनी हुई है सब जगह दो चार बंदे घुसा रखे हैं सारे, तो एक नंबर राज्य पे स्तर के बताओ, मतलब। एक नंबर बताओ, 1 लाख रुपए महीना खर्चा, 10 करोड़ रुपए महीना खर्चा, कितना खर्चा है इनका पर मंथ ये बीजेपी आईटी सेल का? मिनिमम देख लो ना, कि आम आदमी भी अगर जाता है ना तो उसको 1,000 रुपए दिन दाड़ी देते हैं तो भी 30,000 होता है। तो इनके लगभग पूरे देश में अलग अलग राज्यवार चुनाव होते हैं ना, तब अलग अलग ज्यादा हायर करते हैं। जैसे गुजरात में चुनाव हुआ तो गुजरात में इस बार बीजेपी आईटी सेल ने 5,000 लगाए थे, 5,000 लोग। 5,000 लोग? हाँ, अच्छा फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, 5,000 लोगों की ताकत के हम आगे, मतलब 5,000 लोगों पे इन्वेस्ट करके भी फिर भी हार्दिक ने बट्टा बिठा दिया, मतलब उस बंदे में कुछ तो था। सही है। तो ये जो एक चीज ये बताइए, ये एक तो क्या है कि बीजेपी दलित के खिलाफ भी बहुत लिखता है, ये क्या चक्कर है? नहीं, अरे दलितों को तो इनका जो बीजेपी नहीं लिखते, बीजेपी के अंदर में जितने आरएसएस मानसिकता के लोग होते हैं ना वो लिखते हैं, दलितों को तो वो मतलब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भारत में मनुस्मृति लागू करने की उनकी पॉलिसी है ना 2025 तक। आपको लगता है लागू होगी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था कर छोड़ी है, इनके बस का नहीं। ठीक है, और कोई ऐसी चीज आप आज की तारीख में हमारे जितने भी आपके युवा भाई हैं यहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, उनको कुछ बताना चाहेंगे कैसे वो सब चीजों से बच सकते हैं? अच्छा दूसरा एक और चीज बताना चाहता हूँ, बीजेपी आईटी जो भी सेल है उसका व्हाट्सएप पे क्या क्या प्रेजेंस है? आप कमेंट मत पढ़ो महावीर भाई, बाद में पढ़ लेना, कमेंट कैसे होता है बताइए। व्हाट्सएप 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 पे भी मतलब हर आदमी के पास 10 10 मोबाइल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक और सबके पास 10 10 सिम कार्ड होते हैं, और 10 10 सिम कार्ड पे व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं। हर एक ग्रुप में जैसे एक आईडी में 266 या 270 के आसपास ग्रुप जोड़ते हैं वो, नए नए आजकल ग्रुपों की लिंक की पॉलिसी आ गई ना, ओके लिंक से ग्रुप ज्वाइन करो। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का जो मैसेज जाता है और सोशल मीडिया पे जो मैसेज जा रहा है वो लगभग एक ही मैसेज होता है, एक ही टाइमिंग पे बीम एक ही करता है। होता है ना, एक ही टाइम पे ये दोनों फैक्ट्रियां एक ही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, दोनों एक ही है, वहां से उठा के यहाँ डालते हैं, यहाँ से उठा के वहां डालते हैं। और इनका है ना सोर्स के तौर पे क्या देते हैं पता है, इनकी खुद की जाल बिछा रखी है, वेबसाइटें बना रखी है, कोई 1,000 वेबसाइटें बना रखी है, न्यूज वाली फलानी, डीम की, धार्मिक फलाना, हर टाइप की। तो उन उनमें कंटेंट लिखते हैं पहले, वो न्यूज के लिंक भी चिपका देते हैं कि फलानी वेबसाइट में छपा हुआ है ये चीज असली, मतलब लोगों को मनवाने के लिए, लोग को लग जाता है कि ये हाँ भाई लिंक दिया तो असली होगी। ये कभी आज तक की न्यूज नहीं देंगे, कभी जी न्यूज की नहीं देंगे, कभी कोई भी बाहरी अंग्रेजी अखबार की लिंक नहीं देंगे कि फलानी फलाने फसाद की या फलानी बीमारी की जड़ की ये सूचना की ये लिंक है, वो नहीं देंगे, अपनी वेबसाइट में डालेंगे, अपनी लिंक चिपका देंगे। अच्छा एक तो ये जितने भी ब्लॉग्स लगते हैं जो कि न्यूज लगते हैं, जो मैंने बहुत पहले कहा था ये न्यूज नहीं होते और लोग शेयर कर देते हैं, वो ब्लॉग्स होते हैं,
जो लगते हैं न्यूज की तरह, हाँ ब्लॉग होते, वो वहीं से चल रहे हैं, वहीं से भी। हाँ, ये मैंने बहुत पहले मैंने कहा बताया था, ना दो आपको, साल ढाई साल पहले, कि ये ब्लॉग होते हैं इनके। इंसिस्ट नंबर प्रेस, न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नामों से, हजारों नाम से है वहाँ वेबसाइट, एक ही जगह से चलती है। आप एक चीज नोट किया करो, कभी कभी उनकी है ना जितनी थीम डिजाइन होती है ना, ग्राफिक्स डिजाइन, वो सारी एक जैसी लगेगी आपको, उनमें फॉन्ट देख लेना। ये सब लोग, आप लोग सुनिए जो बता रहे हैं, बहुत जरूरी बात है देश के भविष्य के लिए। और दूसरा मुझे बताइए, कई इसके अंदर बीजेपी आईटी ये सेक्टर में, प्रहलाद जी पूछ रहे हैं, हिंदू डॉट इन्फो किसके, ये भाई हितेश रांगड़ा की है, जो आरएसएस का ऑफिशियल वेरीफाइड पेज भी चलाता है। हितेश रांगड़ा हिमाचल से है, मेरा दोस्त भी है और बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ जो बड़े बड़े इसके अंदर मीडिया हाउसेज हैं वो भी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं क्या? कई लोग शक करते हैं, जैसे जी टीवी मीडिया बीजेपी, प्रो बीजेपी है। नहीं, जी ग्रुप तो पूरा बीजेपी का ना, राज्यसभा में सांसद की सीट दे रखी है। और कौन सी है ऐसे न्यूज वाले, ये जो छोटे मोटे चैनल थे सभी जुड़े हुए होंगे। छोटे मोटों को तो जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं इनको तो बड़े नाक खा जाएंगे, टीआरपी कहां से आएगी इनके पास। तो महावीर भाई, आप जैसे 27 साल के, अभी आपके हिसाब से आप क्या, जैसे अभी शंखनाद किसका है ये भाई, ये शंखनाद है ना, ये भारत से नहीं चलता, बाहर से चलता है। आ रही है कोई, आ रही है मेरी आईडी में, नाम याद नहीं आ रहा उनकी है, ये टीम शंखनाद टीम, ये बहुत पहले से एक्टिव है, ये तो 2010 से एक्टिव है, ये भी फ्रॉड है। इंग्लिश कंटेन में। हाँ इंग्लिश कंटेन में है, शंखनाद नाम से। तो इसका तोड़ क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज में। तोड़ यही है कि सारे के सारे एमकेडी जैसे अभियान शुरू कर दो और लोगों में प्यार मोहब्बत लिखना शुरू कर दो। जो भी चीज हिंदू मुस्लिम जाट राजपूत जाट इसमें जाट दलित ऐसे भी, जो भी कंटेंट है ना उसको अवॉइड करो, देखो ही मत, बंद कर दो उसको, देखना बंद कर दो तो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे किसी मीडिया चैनल को ठिकाने लगाना हो तो पूरे देश के जितने भी लोग जागरूक लोग हैं अपने अपने घर में उस चैनल को ही मत ऑन करो, उसका एडी मत देखो, तो उसकी वो रैंकिंग गिर जाएगी वो तो अपने आप। मैंने मैंने बोला था, देख, ये भी तो चक्कर है ना, लोग बाग खुद कुछ नहीं करना चाहते, करवाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, जिनको जी टीवी पसंद नहीं है, एनडीटीवी हाँ वो के बंद कर लो, उसको ऐड नहीं मिलेंगे, टीआरपी नहीं, ऐड नहीं मिलेंगे, चैनल बंद, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने बीजेपी आईटी सेल में ऐसे ऐसे आदमी देखे थे जिन्होंने कभी खेत में जाके नहीं देखा कि टमाटर का पेड़ होता है, पौधा होता है, वो किसानों पे ज्ञान लिख रहे हैं वहां बैठ के। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं महावीर प्रसाद जी में प्रॉब्लम आ जाएगी, महावीर प्रसाद जी अग्नि परीक्षा से निकल रहे हैं, इनके साथ राम भगवान है, इनके साथ इनका भगवान है, जिनको भी मानते हैं ये, किसी को कोई संकट नहीं आ सकता है। और अगर अगर आप लोगों को इतना डर लगता है कि आप लोग आज की तारीख में झूठ ही सुनना पसंद करते हैं, और इसमें घबराहट होती है कोई आदमी नहीं, सच बोले, तो बहुत मुश्किल है। बोलने से डर लग रहा हो तो भाई आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लोग ये देखो, जब हमारी है ना नस्लें तबाह होनी शुरू हो जाएगी ना, अभी तो नस्लें तबाह होनी शुरू हुई है ऊपर के किनारे से, मतलब 10% तबाह हो चुकी है ऊपर, ऊपर से 90% बचे हुए हैं, और ये 90% से 50% आएंगे ना उस दिन, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। अच्छा, और ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करता है एकदम से बीजेपी, ये क्या होता है? क्योंकि हर चीज में पाकिस्तान को ब्लेम रोज करते तो हैं। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, रोज है ना जो आर्मी सपोर्टर जितने भी बीजेपी आईटी सेल के पेज चलते हैं उसमें, मतलब कुछ भी पाकिस्तान वाले अगर भारत पे एक दो फौजी को कर देते हैं जैसे एक्सपायर, तो उसके बाद में वो देते दिखाते क्या है कि रोज की आज पाकिस्तान के 25 मार दिए, 500 मार दिए, 1000 मार दिए, सारे प्रोपगेंडा तैयार करते हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। कई बार होता है हमला, मतलब महीने में 5-7 हमले होते हैं, वो तो होता ही यार, बॉर्डर ये सांप्रदायिक का कारण नहीं हो रहे, वो उनकी अलग पॉलिसी है उसके हिसाब से हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे से हो रहा है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से थोड़ा ही हो रहा है। भारत में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर 1930 के पहले आज तक कोई भी नहीं हुआ दंगा, या क्या युद्ध भी नहीं हुआ भारत में, इतिहास का कोई भी युद्ध उठा के देख लो, हिंदू मुसलमान बोल के युद्ध नहीं हुआ। महाराणा प्रताप का युद्ध हिंदू मुसलमान थोड़ा ही था, छत्रपति शिवाजी का युद्ध हिंदू मुसलमान थोड़ा ही था, अपनी अपनी सत्ता का विस्तार का युद्ध था वो। अच्छा, कुछ लोग जो कि एंटी बीजेपी होते हैं, वो प्रो एनडीटीवी होते हैं, तो बीजेपी आईटी सेल की कितनी नजर रहती है एनडीटीवी पे या अपने रवीश जी के ऊपर? ये एक भाई ने सवाल किया है, तो वो पूछ रहे हैं। रवि
रवीश जी अंदर अंदर तो इनका ही आदमी है भले। अच्छा एक बात है ना, इनकी आरएसएस से जुड़े हुए आदमी की सबसे बड़ी पॉलिसी मैंने एक चीज देखी थी वहां नहीं इतने नहीं सालों में। अभी आप क्या बोले कि आप रवीश जी अंदर खाते इन्हीं का आदमी है, मतलब क्या है इसका? अंदर खाते मतलब रवीश जी अंदर खाते जो न्यूज़ चला रहे हैं तो इनका ही प्रोपगेंडा होता है कई बार इन रवीश में। मैं नोट करता हूं उनको कई बार कई बार तो खुल के वो चीज नहीं बोलता लोग खुल। बाग हाँ लोग बाग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कई बार, मेरे को भी लगता है कि कम से कम एक रवीश तो ईमानदार है। तो ईमानदार, अब ईमानदार किधर की कौन है अब ये बताओ भी मुझे। कम से कम ऐसा तो लगता है ना कि भाई जो ग्राउंड लेवल की जो खबर जो और मीडिया नहीं दिखा रही उससे हटकर रवीश दिखाता है हर बार। जैसे अभी राजस्थान हरियाणा दिल्ली में सब जगह किसानों का आंदोलन चल रहा था, बाकी सारे सारे चैनल किसी और विषय पे हिंदू मुसलमान की तीन तलाक की फलानी डिबेट बिठा रखी थी और रवीश अकेला किसान किसान कर रहा था। तो अकेले से तो कुछ होना नहीं है, सारे चैनल एक साथ नहीं उतरेंगे तब। मीडिया ने ना पूरे देश को कंट्रोल कर रखा है। वो तो मैंने एक बार ही बोला था महावीर भाई साहब कि जिस दिन मीडिया और सरकार में दोस्ती हो जाती है उस दिन बर्बादी शुरू हो जाती है। जिस देश में मीडिया और दोस्ती तो जिस हाँ जिस देश में मीडिया और सरकार की दोस्ती हो गई, मीडिया मीडिया का हमेशा मीडिया का ये चौथे स्तंभ का सबसे पहला फर्ज ये रहता है कि कोई भी सरकार उससे सवाल पूछना इनका काम रहता है, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं पूछते। सुबह शाम भजन कीर्तन आरती गा रहे हैं रोज। आप लोगों का किसी का सवाल हो तो पूछिएगा। अभी 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 महावीर आपने तो प्रसाद जी आपने पांच थोड़े साल दिन से पहले चुनाव देखो इधर हैं और कोई भी ये अंजना आपको मैं ना आज तक का उदाहरण देता हूँ। अंजना कश्यप 2014 का चुनाव हुआ तब तक मोदी को रात दिन बाल खींचती थी मोदी का, और हम लोग उसको सबसे ज्यादा गालियां देते थे बीजेपी आईटी सेल वाले। आजकल बीजेपी आईटी सेल वाले सबसे ज्यादा सपोर्टर अंजना कश्यप के, क्यों? क्योंकि अभी गुजरात चुनाव हुआ था उसमें अंजना से जल्दबाजी में ऐसा भी बोला गया ना, मैं अंजना हूँ मोदी। हाँ वो तो हो जाता है टंग, वो तो स्लिप ऑफ टंग है, किसी के साथ भी हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका इतना बात का बतंगड़ ही बनाना चाहिए। एक नहीं आप बतंगड़ नहीं बनाया ना हमने तो, उस चीज को लिखा है ना कि भाई गलती हो जाती है सबसे बोलने में। मैं आपसे बोल रहा हूँ पहली बार बोल रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं कभी स्क्रीन पे टीवी पे नहीं बोला। कीबोर्ड से आप कुछ भी लिखवा लो, आपके ऊपर पूरी कहानी लिखनी हो, आपको बदनाम करना हो या आपका नाम करना हो, दोनों दोनों कला है साथ में। अच्छा एक बात और बताइए महावीर जी, इसके अंदर द वायर के अंदर विनोद दुआ जी हैं, एक एबीबी के अपना अपना ब्लॉग चलाते हैं इसके, अभिसार शर्मा जी, इनके भी पेजेस पे नजर रहती है बीजेपी आईटी सेल की। अभिसार शर्मा बढ़िया बंदा है, चैनल पे अपनी मजबूरियां हैं उसको भजन गाने की, लेकिन खुल के वो बाहर खुला खुला करता है, जो सवाल करता है वो खुले तो करता है। उनके ऊपर भी नजर है क्या बीजेपी आईटी सेल की, जब उनके ब्लॉग आते हैं जिनके उनके वीडियो आते हैं? नजर तो रखते हैं ना, सब पे नजर रखते हैं, उनका रिव्यू रखते हैं कि कहीं कुछ भी इसने गलत बोला था उसको ट्रोल करना शुरू कर दो। जैसे मेरे को आप लोग ट्रोल बहुत करते थे, क्यों करते थे मुझे ट्रोल? ट्रोल आपको भगाने का मकसद था, आप खुद करते थे आप फिर? बहुत मजबूत आदमी थे। मैं आपको बहुत ट्रोल किया लेकिन आप भागते ही नहीं हो ना। मैं बात नहीं, मुझे आप लोग गालियां क्यों देते थे? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी नहीं कहा मोदी जी के खिलाफ, मैंने कभी किसी भी सरकार के खिलाफ मैंने आज तक नहीं बोला है, नेवर एवर मैं भी नहीं बोलता मोदी जी के खिलाफ, तो मैं भी नहीं बोलता। तो मतलब मेरे में ऐसा क्या था? शायद प्रधानमंत्री है एलजेडी हमारे देश का, प्रधानमंत्री है उनकी, हमारे देश का बिल्कुल प्रधानमंत्री है, उनकी इज्जत करो। बिल्कुल, मतलब हमारे में ऐसा क्या था जिस तरह एमकेडी राइज हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो बीजेपी आईटी सेल किस तरह देख रहा था? क्या अभी देख रहा है या नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा है, उनको ये लग रहा है कि अगर ये हिंदू मुसलमान और ये बीजेपी वाले मतलब ये जितना अभी डांडिया जी ने जो छेड़ रखा है अभियान, इसमें अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो हमारी राजनीति तो खत्म है। राजनीति अच्छी भी होती है यार, खत्म नहीं होती है। अच्छी राजनीति चलेगी, बुरी राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के बगैर तो कोई दुनिया ही नहीं नहीं अभी चलती, अभी राजनीति बगैर तो आपके घर में कनेक्शन पानी का टूंटी का भी नहीं लगेगा। कुछ नहीं होता है। तो अच्छी राजनीति के लिए हम, बुरी राजनीति के लिए नहीं। और एमकेडी परिवार के जो ट्रोल करते हैं आज बीजेपी आईटी सेल वाले, और मैं उनको यही बता दूं कि हम लोगों के भी 3 लाख पेज हैं और सारे रियल आईडी के साथ हैं। सारे रिए बीच में मेरी आईडी हैक करी थी और मेरे पास 127 लोगों ने अपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी भेज दिए थे कि अभी भाई आप इस पेज से आ जाओ, हमारे हमारे इतनी प्यार मोहब्बत है, हमारे में कुछ है ही नहीं है ऐसा शर्म। और अगर बीजेपी आईटी सेल इसके अंदर पर्टिकुलरली इसके अंदर मेरे पेज पर नजर रखी हुई है या रफीक भाई के पेज पर नजर रखी होगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा इधर से, अपना समय बर्बाद कर रहे कुछ हैं। भी नहीं मिलेगा। आईटी सेल के अलावा मैं एक दूसरी चीज बोली थी ना, आईबी पीछे लगी हुई, गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके पीछे लगी है? मेरे पीछे?
हाँ पूरी टीम के पीछे, जिन लोगों ने हम लोगों ने ये प्रोफाइल कवर फोटो लगा रखी है सबके पीछे, सारे पे निगरानी रख रहे हो दिन भर की कहीं क्या इनका थोड़ा सा। मतलब एमकेडी से इतनी तकलीफ होने लगी इतनी बड़ी सरकार को, ये तो कमाल की बात है भाई। एमकेडी हाँ वालों जी मुबारक हो आप लोगों को भाई, सब लोगों को। हमारे प्रोफाइल पे क्या ये लिखा बात मैं है? पहले हमारे प्रोफाइल पे लिखा है सबसे पहले सबसे पहले इंसान, इंसान। राइट्स ऑफ लव, मोहब्बत के दंगे, एक देश एक परिवार। हमने कहीं गलत लिखा हुआ है क्या? आईबी हमारे पीछे करके क्या कर लेंगे? इस परिवार से डर है ना इनको, अब ये जो आईडी और लगेंगी, अब ये अब प्रोफाइल तो और लगेगी ना वो। अब और लगेंगी। मैं आज जिन भाई ने ये प्रोफाइल बनाई थी उसको मैं मैसेज ही करने वाला था कि भाई साहब थोड़ी रंगीन रंगीन टाइप में और 5-7 ऐसी फ्रेम बनाओ, बना देंगे, हमारे शादाब भाई हैं, रफीक भाई हैं, मैं आपसे इन कांटेक्ट कर क्योंकि लूंगा। शादाब भाई एक हमारे ही फ्रेम नफीस चल भाई रही है ना, हैं। एक 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 आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है कि बार बार मतलब कुछ रंगीन देखना चाहते हैं लोग, एक ही चीज से बोरिंग हो जाते हैं बार बार दिखाओगे तो, ठीक है हाँ, नहीं इसको थोड़ा नया लाओ। आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस का हमें जो भी फायदा मिलेगा हम लेंगे और पूछ के लेंगे, क्योंकि आप भी भारतीय और हम भी भारतीय, और हमारा हक है आपसे पूछने का कि हमारी हेल्प करें इसमें। और बाकी मेरे फेसबुक से रिलेटेड कोई भी पेज से, क्रिएट से, पेज के अंदर जो भी सेटिंग वेटिंग से कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो मैं पूरी पूरी तरह से दूंगा और आपको, हम आपके साथ जितना खड़े मैंने हैं। सीखा ITCL से, दूसरा एक बात जितना मैंने बताइए, सीखा है वहां से। दूसरा एक बात बताइए, जब मैंने पीएनबी का खुलासा किया था जो बहुत वायरल हुआ वीडियो, एक 5 मिनट वाला पूरे इंडिया में, मतलब हमारे अमेरिका में घुस गया आके आके, उसके बाद बीजेपी आईटी सेल किस एंगल से देखती है हम लोगों को, एमकेडी को? उस वीडियो को बीजेपी ITCL ने किसी भी तरह से कहीं पे भी हो रहा तो उठाया नहीं उसको ना, जानबूझकर नहीं उठाया, उससे सारी पोल पट्टी खुल सकती, मीडिया पे दबाव बन सकता था। मीडिया पे दबाव अगर तो बना आपका रहा हूं, वीडियो मीडिया बना पे नहीं, अभी उतना दबाव बना नहीं, नहीं, अगर सारे वीडियो वायरल हुआ और आदमी आम आदमी तक पहुंच गया वीडियो, और ग्रामीण क्षेत्र में मेरे अलावा भी जिन लोगों से इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो अपने टाइम पास के लिए या सिर्फ शायरी मैसेज के लिए फेसबुक चलाते हैं, उनके लोगों के मोबाइल में भी आपका वीडियो घुस चुका है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और महावीर प्रसाद जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप किसी चीज से घबराएंगे नहीं। आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ है हमारी पुलिस से लेके ऊपर तक, महकमे तक आपकी नहीं फतेह। मुझे मुझे डर ही नहीं लगता, और डर भी अगर ये अंदर भी कर देंगे तो मुझे कोई भी ना, टेंशन नहीं है, वहां पे भी बैठ के आपने आराम से कोई गलत खिचड़ी बात भी नहीं तो करी देंगे है, अपने। आपने कोई गलत बात नहीं करी है, आपने किसी को गाली गलौज नहीं दी है, आपने सच बोला है। और कैसे चलती है एक कंपनी उसके बारे में बताया। अभी आप मुझसे पूछेंगे, अभी जैसे हमारे बाजार के बारे में मैंने खुलासा किया, हीरे बाजार के बारे में, इसमें मैंने गलत क्या कहा? कोई गलत नहीं कहा, ये बात अलग नहीं है कि अपना अपना प्रोफेशनल होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होती है, हीरा बाजार की आपको जानकारी है, मेरे मैंने को इसकी देश जानकारी है। इतने हालांकि बंबई आपका से मार्केट मैंने सूरत में देखा हुआ है। बंबई से उस वीडियो के बाद अभी से 123 फोन आ चुके हैं, 124। ठीक है, क्योंकि उनकी पोल पुट्टी मैं खोल, मुझे जब 30 साल से मुझे पता है कि कैसे होता है। और मैं शुरू से बोल रहा हूं कि देश में गरीबी नहीं है, और लोग बोलते हैं देश में सोने की चिड़िया थी, नहीं थी, अभी भी है। इसीलिए तो रोजाना सोने की चिड़िया के पत्र जो पर काटे जाते हैं। अगर सोने की चिड़िया नहीं सोने की होती तो चिड़िया तो इतना अब भी पैसे कहां से आता? देश, सोने की चिड़िया तो अब भी था, लोग ये अभी 11,000 करोड़, भी 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ अभी भी कहां से है, ले जा रहे हैं, अगर सोने की चिड़िया नहीं होता तो। तो कहां से होता ये सब पैसा? आप लोगों का भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और क्या है कि दलित तो शब्द में मानने को ही तैयार नहीं रहता कभी भी, तो उनको जो भी मानो, इंसानों इंसान मानो उनको, दलितों को, ये सब आप लोगों का पैसा है, आप लोगों की किसान मेहनत मान का लो ना, पैसा है। और मैं किसान बोल दो ना दलित को, और क्या किसान हो जो किसान भी ही है है, सारे। किस मेरे भाई हैं, जो भी बोलो आप, इससे मतलब नहीं है। मगर एक चीज ये पक्की है कि युवा को बेरोजगार करने में आज की तारीख में जिस तरह महावीर साहब बता रहे हैं, ये जो रणनीति है ये बहुत बड़ी है, ये युवा को बेरोजगार करने की। काम धंधा तो किसी के पास है ही नहीं ना, पूरे दिन फेसबुक पे हिंदू मुल्ला के अलावा कोई काम धंधा ही नहीं है, और इनको तो हमारे जैसे लोग जो बीजेपी ITCL में खुद मजदूरी करके करवा रहे हैं, हमें तो मान लो पैसा मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है, अब घर एक बैठे बार पतले हो रही एक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दो आप, कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए, आपके लिए, आपके पास क्या है इसके अंदर, क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे ये आते हैं सब चीजें, इनमें ध्यान नहीं दीजिए, ये सब प्रोपेगेंड, क्या जो भी आपके नहीं इन दिल में हो? इन इन इन, 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 इन इनको तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी ID पे पोस्टें भी पड़ी है कि भाई आप लोग अपने समाज की गंदगी अपने आप साफ करोगे तब जाके पूरा देश साफ होगा, हम अपने समाज की गंदगी हम साफ करेंगे तब जाके देश साफ होगा। मैंने तो मेरे मतलब हालांकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने अपने जाट समाज से कई बुराइयों की और सफाई करनी शुरू कर दी।
अच्छा दूसरा आप ये बता दो कि हमारे में भी बहुत सारी कुपर, हर चीज आपने भी एक पोस्ट डाली थी सुबह की, जैन समाज में एक कुप्रथा है, तो मेरे समाज में तो बहुत सारी कुप्रथा है, उनके खिलाफ में हम पूरे दिन लिखते हैं। राइट और एक चीज आप ये बता दो कि हमने आपको कोई भी प्रेशर नहीं डाला ये बोलने के लिए, हमने आपको कोई पैसा नहीं दिया है बोलने के मैं लिए, ये नहीं खुद नहीं आप कोई बोल गए। नहीं नहीं लोगों को ये ऐसा लगता है। मैं अगर है ना, मैं तो रामदेव बाबा जी की तरह खुला हूँ कि मेरा अकाउंट भी चेक कर लो बाहर से, अगर कोई पैसा, अगर गूगल के एडसेंस को छोड़ के कहीं सिंगापुर को छोड़ के कोई आ रहा है, तो मेरी एक वेबसाइट चलती है, मेरा एक यूट्यूब चलता है, उसके अलावा कहीं से भी एक चवन्नी आ रही है मेरे पास, तो कर लो जांच पूरी। नहीं एमकेडी परिवार ने आपको कभी दबाव में डाला, आपको पैसा दिया कुछ? एमकेडी परिवार को दबाव में क्या, एमकेडी परिवार को तो मैं गालियां दे रहा था, खुद आ रहा हूँ इनके साथ कि भाई साहब हमें भी जोड़ लो, कोई तरीका तो बताओ, हमें करना क्या पड़ेगा, चलिए कुछ तो मार्गदर्शन आप भी दो, आपका मिशन क्या है उसके हिसाब से। हमारा मिशन तो एक ही है, प्यार मोहब्बत तरक्की और इतना तो मुझे समझ में आ गया, प्यार मोहब्बत तरक्की देश, ये तो मैं आपका शुरू से ही सुन रहा हूँ। और हर आदमी अमीर होना चाहिए, क्योंकि पैसा बोलता है हाँ इस दुनिया में, ये सच्चाई है। आज की तारीख में कोई भी लेकिन रिलीजन से पहले पैसा बोल जाता है। हाँ उसके लिए हम सबको मिलके ना एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे को उठाने के लिए, ऐसे खाली बातों से तो होगा नहीं ना। चलिए आपका बहुत बहुत आपका हमारे परिवार में वेलकम है, और आप और भी युवाओं को जोड़िए इसमें, और मैं आपको शादाब भाई से, हमारे बॉम्बे में फैजान भाई हैं और रफीक भाई से संपर्क में डाल दूंगा, आप लोग क्रिएट करें। आप बहुत एक्सपर्ट हैं जिस चीज में हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो जिस चीज में हम एक्सपर्ट नहीं है हम उसमें बोलते नहीं है, जो हमारे टीम में एक्सपर्ट्स हैं मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। आपके मतलब राजस्थान के चूरू जिले से, बीकानेर जिले बहुत से हैं कोई, जितने बहुत लोग हैं जुड़े, बहुत हैं बहुत जो हैं हैंडल कर रहे, बहुत हैं, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं ना, तो जयपुर उनको में बोल हैं, दीजिएगा, मेरा नंबर भी दे दूंगा। जयपुर चूरू सीकर झुंझुनू जोधपुर कोटा मेड़ता, बहुत लोग हैं। हमें इसको अभी इसको हम लोग को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना है, अभी हम लोग अप्रैल में आ रहे हैं, हमारी मीटिंग है बहुत बड़ी, तो हमें अब करना है, क्योंकि अब करने का टाइम आ गया, उस टाइम हम लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी, और जितने भी देशभक्त हैं रियल में जिनको बोलते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है, जनवरी ये फरवरी हमारे लिए नहीं है। अप्रैल में, अगले महीने में ना, हाँ अगले कोशिश महीने मेरी में यही है, कोशिश मेरी यही है, तो बाकी अभी मेरे को चलो, जरा हमसे जितना बन पड़ेगा आपके अप्रैल में पूरे मिशन में साथ में रहेंगे, और अगर हो सकता है, मैं कहीं पासपोर्ट बना हुआ है, विदेश जाने की सोच रहा हूँ, तो कहीं अगर बाहर चला गया तो भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, बाहर से तो और ज्यादा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं भी आज की तारीख में देखो, आपको मैं बता देता हूँ, आप कहीं भी मिडिल ईस्ट में जाएंगे आपके लिए हर जगह घर मिलेगा, आप अमेरिका में आएंगे आपको 50 घर मिलेंगे रहने के लिए, न्यूजीलैंड जाएंगे आपको घर मिलेगा, ये एमकेडी परिवार की ताकत है। आप मुझे बोलो कि मुझे भैया दुबई जाना है, मैं आपको गारंटी करता हूँ दुबई में 20 घर आपके लिए खुले होंगे, आप चूज करो किस में रहना है, सब आपके भाई हैं, आपको एयरपोर्ट हाँ लेने सब भाई आएंगे, है, मैं ड्रॉप उन्हें करेंगे, घुमाएंगे, हम यही ताकत है हम लोगों की कि हम सब एक साथ इसके अंदर कनेक्टेड है। हाँ, और इससे ही आपका जो अभियान बोला था आपने कि सब आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे, तो बाहर से जब पैसा इंडिया लाएंगे तभी मजबूत होंगे ना, सारे बिल्कुल लोग मिलके एक दूसरे का सहयोग बिल्कुल, करेंगे तभी। और मोदी जी को इन लोगों से बचाना है जो कि मक्कार लोग बैठे हुए हैं इन्हीं की पार्टी में। मोदी जी को तो हमें बताना है इन लोगों से, और इनके पूरे एजेंडे से बताना है, आपको पता ही है सब, हमें भी पता है कि आरएसएस अगला नया चेहरा तैयार कर रही है, मोदी जी को ठिकाने लगाने की योजना मैंने चल रही पहले है। ही बोल दिया था कि ये समझ नहीं रहे, और मेरा एक वीडियो था आज से 2 साल पहले जब ये, अच्छा ये एक बार बताओ, ये अपने गाली गलौज करने का कोई एक ये ट्रेंड है क्या बीजेपी आईटी सेल में कि गालियां बकते जाओ किसी को भी, ये वहां क्या है पहला ये? प्रशिक्षण यही होता है, पहले यही होता है कि वहां से आप जितनी मस्त गालियां दोगे उतना मस्त मान्य जाओगे। अच्छा, बीजेपी आईटी सेल में इसके अंदर लड़कियां भी काम करती हैं, हाँ लड़कियां भी है ना, लड़कियां जो YouTube पे आवाज देती है वीडियो में, वो भी गालियां जैसे बकती हैं? NMF न्यूज है, जैसे अभी NMF न्यूज है YouTube पे, सबसे बड़ा चैनल है बीजेपी का सपोर्टर, NMF न्यूज, NMF नरेंद्र मोदी फैन न्यूज, ओके वेरीफाइड YouTube चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, अभी इस चैनल को हथियार बना रखा है इन लोगों तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी बोला जाता है गालियां बको तुम? ने। नहीं लड़कियां गालियां नहीं देती, लड़कियों नाम से फेक आइडिया बना के लड़के भी गालियां देते रहते। चलिए महावीर प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और आप सब लोगों को, आप आप तीन एक हजार आपसे लोगों को मैं ना जोड़ आज आपसे बात करने के लिए मैं आज घर पे रुका था, पिताजी को भेजा है फूफा जी के खेत पे रात में। ओ नहीं, सॉरी टू नो, आई एम यू नो थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी टू हियर दिस न्यूज, मगर ये बहुत जरूरी था कि आप आएं और आप सबको बताएं,
और हम जरूरी किसी था इसलिए मैं घर पे रुका था कि आज कम से कम अभी भाई से बात भी करनी है और सारे लोगों को एक मैसेज भी देना है कि भाई ये प्रोपगेंडे से बचो, जितना बच सकते हो बच लो, पूरा देश बर्बाद हो रहा है इधर से। इन आईटी सेल चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे MIM की हो। ओवैसी ने भी तो आईटी सेल बिठा रखी है। ओवैसी वाले बीजेपी में शिफ्ट होते हैं, बीजेपी वाले ओवैसी में शिफ्ट होते हैं, रोज होते हैं, मैं रोज देखता हूँ। आप लोगों के यहाँ नीचे स्तर पे हिंदू मुसलमान हो रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो मैं हर जमी बोलता हूँ कि ऊपर 20% और नीचे 20% में कोई मतलब नहीं है आप हिंदू मुसलमान से, ये 60% बीच में फंसे इनका हुए हैं। यहाँ इन इन इनका हिंदू मुसलमान होता रहता है। मैं अमित शाह जी को और अकबरुद्दीन ओवैसी भाई को, दोनों को आमने सामने एक थाली में खाना खाते हुए कई बार देख चुका हूँ। और लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी पॉलिसी वहीं से बनती है। ये सुन लो भाई साहब आप लोग सब, और ये जो भक्ति से बाहर निकलिए, इनको अभी है इन 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 लोगों को पता है क्या? इन लोगों को अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहां बैठता कौन है, किससे क्या डील होती है। रात को कभी अशोका रोड में जाया करो, अभी तो नया हेडक्वार्टर बन गया, राम मंदिर तो नहीं बना लेकिन उसकी जगह हेडक्वार्टर बना लिया उन रुपयों से। सिर्फ कुरान और गीता में जो लिखा है उसकी भक्ति करो, उसको फॉलो करो, इंसान का न करो, बिल्कुल नहीं करो, उनको जांचो, उनको परखो। उनमें तो इंसान को इंसान जोड़ने का लिखा हुआ है ना। इनकी कुरान अलग है ना, बीजेपी और ओवैसी की, इनकी कुरान भी अलग है, रामायण भी अलग है इनकी, हमारे से मिलती जुलती बिल्कुल नहीं। अच्छा एक एक सवाल आया है अभी, एक एक और चीज बता, अगर आपको पता हो तो अजम्पशन पे मत दीजिएगा, ये जो ईवीएम का खेला है ये क्या कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ये तो प्रोपगेंडा लग रहा है मुझे। प्रोपेगेंडा है। वहां वहां अंदर सूचना नहीं है। हाँ, प्रोपगेंडा ही लग रहा है ईवीएम का। ऐसे हो सकता है दो चार मशीनों में कई बार तकनीकी की वजह से हो जाता है, लेकिन नहीं, इतना नहीं हो सकता। ये जनता को ही डाइवर्ट कर देती है ना, जुमले डाल डाल के। अमित शाह ने अभी दक्षिण भारत में करके आया था ना, कई बार तो मोदी जी भी भूल जाते हैं ना जनगणना। इन लोगों ने मोदी जी का दिमाग खराब कर दिया, काम नहीं करने देते उनको, पूरे दिन टॉर्चर करना इनका यही काम रहता है बीजेपी वालों का। जैसे अभी मोदी जी गए थे दाऊद में, वहां क्या बोल दिया कि मुझे 600 करोड़ जनता ने वोट दिया। 600 करोड़ जनता वर्ल्ड कंट्री की आई थी, क्या नहीं वो ध्यान वो भूल डाइवर्ट जाते हैं करते कई बार। हैं। इनकी वजह से हो जाता है, उनके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। वो 18 18 घंटा वो आदमी काम करता है, उस आदमी सही को इन बात लोगों ने मतलब 10 वर्ष उसकी उम्र खा ली इन लोगों ने। है, उम्र का लिहाज नहीं है, किसी चीज का लिहाज नहीं है, और ये बीजेपी वाले खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद को। मैंने आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले एक वीडियो डाला था ये गाली गलौच वालों की, तुम ही लुटिया डुबाओगे बीजेपी की। नुकसान तो पहुंचा रहे हैं ना, इनका तो प्रायोजित हो रहा है ना कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के अभियान में शामिल नहीं होना चाहते, कि बिल्कुल आरएसएस जो चाह बिल्कुल रही है उसमें नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो एग्जैक्टली वो अलग होना चाहते हैं। आरएसएस चाहती है कि ये हमारे साथ आए, नहीं तो इसको हटा देंगे। 2019 की आपको पता चल जाएगा क्या तैयारियां चल रही है आरएसएस की। अच्छा अभी माधवी अभी की प्रसाद जी, क्या चल, एक हमारे दोस्त हैं एंथनी करके, कैलकटा से, उन्होंने एक सवाल किया है कि कोई इसके अंदर ये बीजेपी आईटी सेल को कोई और भी संभालता है क्या बाहर से भी, जैसे फिनलैंड से हो या इसके अंदर मैसिडोनिया से हो, क्योंकि ट्रम्प के इलेक्शन के अंदर अमेरिकन कंपनी अभी नहीं थी, ये सारी की सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंपनी जो संभाल रही थी, तो क्या बीजेपी आईटी सेल पे भी कोई पकड़ है क्या बाहर की कंपनी का? बीजेपी में बाहर की कंपनी होंगी नहीं, ये चेन्नई बैंगलोर की कंपनी है ज्यादा। हो सकता है इनमें बाहर का कोई डायरेक्टर मालिक बाहर का होगा, लेकिन जितने लड़के, सबसे बड़ी तो इनकी मेन तो अशोका रोड से हैंडल होती है, उसके बाद में राज्यवार होती है। चेन्नई में बड़ी बिठा रखी है फार्म, वहां पे हम लोगों को भी सूचना नहीं देते कि वहां पे कितने लोग हैं। वहां पे तो हाईटेक लोग जाते हैं। और वो लोग तो स्मार्ट है, क्योंकि हमारे जैसे यहाँ पे आईटी में 2 लाख लोग हैं, सारे मद्रास चेन्नई हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के, नॉर्थ इंडिया के बहुत कम होते हैं आईटी के अंदर, बहुत कम। क्योंकि ये वेब डेवलपर और जो एप्लीकेशन बनाते हैं, अलग अलग ट्री के बनाते रहते हैं, वो सारे लोग चेन्नई में बैठते हैं ना, जितने हाईटेक लोग होता है, चलिए ठीक है, जो IT IIT किए हुए। हाँ अब आप लोगों ने सबने सुन लिया क्या सच्चाई है MIM की, क्या सच्चाई है बीजेपी आईटी सेल की, क्या सच्चाई है कैसे चलते हैं काम। अब आप लोगों को खुद का और दिमाग इनको लगा जिनको के जिनको भी शक है ना, इन इन इनमें से जितने लोगों को लाइव देख रहे हैं आपके, 2000 और आपके शेयर हो गए शायद, ज्यादा भी हो गए, और लाखों लोग देंगे इस वीडियो को। किसी लोगों को शक लग रहा है कि मैं बीजेपी आईटी सेल में काम नहीं करता था, तो मेरे पास कार्ड पड़े, कभी भी आके नहीं नहीं देख नहीं लेना। कोई शक की बात नहीं, कोई शक नहीं करता, कोई भी एंट्री नहीं करता। कार्ड पड़े है मेरे पास। 800 करोड़ में ऐसे किसी को बढ़ने भी नहीं देते, आप घुस के देख लेना, घुसने देंगे क्या? एंट्री कार्ड होता है वहां हम लोग ना सर्टिफिकेट देते हैं ना लेते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। का। हम लोग नहीं ये नहीं भाई, हम ये लोग एक ना प्रमाण पत्र वाले आ जाते हैं ना, अभी 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 नीचे प्रमाण पत्र दे के चले जाएंगे ना सारे एक लोग। एक सर्टिफिकेट है ना, कोई अबे नहीं आता, कोई आएगा तो एक सर्टिफिकेट है कि आप हिंदुस्तानी और हम हिंदुस्तानी, इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमें की जरूरत ही नहीं है। जीते जो करना बस, हम करिए, भारतीय है, हम भारतीय हैं, हम पॉइंट। भारतीय है। क्या हिंदू हैं क्या मुसलमान हैं, हम उ... कुछ नहीं है, हम भारतीय हैं पहले, वो नहीं, सब है। बाहर की कंट्रियों में जैसे अभी हमारे यहाँ के बहुत सारे मुसलमान भाई जुड़े हुए हैं, देख भी रहे हैं, तो ये लोग बाहर जाते हैं तो इनको पूछा जाता है कि आप कौन हो, बोलते हैं इंडियन है। और हमारे भी रहते हैं वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार भी रहते हैं, मेरे खुद के दो चार भांजे रहते हैं।
इनके साथ में रहते हैं। अभी दो एक भाई साहब का आपके परिवार से ही, इसमें मोहब्बत के दंगे परिवार से जुड़े हुए थे, यहाँ के लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं। उनका कॉल आया था कि आपका भांजा तो हमारे पास एक साथ में बैठते हैं। मैं बोला चलो फेसबुक के बहाने हम मिल तो गए। एंथनी भाई, ये जो आपको चीजें बता रहे हैं ये रॉक बॉटम से है, एंड अगर क्लीनअप होगा ना तो रॉक बॉटम से होगा। इसमें राजीव सरदेसाई या जो भी हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। सफाई हरदम होगी बिल्कुल बॉटम से, अपन हवा में तीर छोड़ छोड़ के कुछ नहीं होने वाला। और जो ये बता रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं बताया है पिछले 3 साढ़े 3 साल में। तीर छोड़ के हम भाग जाएंगे तो पीछे से वो तीर फ्लॉप हो जाएगा, हमें पीछा ही रहना पड़ेगा ना। अच्छा एक सवाल आया पप्पू भाई का, बड़ा बढ़िया सवाल है कि अभी कि महावीर भाई आपको क्या फायदा है ये सब बताने से? मेरे को क्या फायदा, देश में कम से कम शांति तो है। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो कोई दूसरा नहीं करे, जो मैं भुगत चुका हूँ वो कोई दूसरा नहीं भुगते, आने वाली पीढ़ियां तो नहीं भुगते। हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, मेरे 3 लड़के हैं। अभी मेरी शादी 2009 में हो गई थी। देखिए मिनाज भाई, इन्होंने बोल दिया है, अब आप लोगों की ये जो आदत है ना कि ओएसी और अमित भाई की कोई बताइए फोटो वोटो, ये सब इनका काम नहीं है। ठीक है, आपको बता दिया, आपको अगर विश्वास करना है करें, नहीं करना है तो मत करें। कोई हमने गले के नीचे तो उतार नहीं रहे अपनी बात, आपकी इच्छा है। ठीक है ना, नहीं बाकी नया तो करना है तो मैं इनको बोल रहा हूँ ना, जाके ज्वाइन कर लो भाई, तुम्हें वहां अच्छी सैलरी मिलेगी, ट्राई कर लो, तुम्हें पता भी चल जाएगा, नहीं, ये क्या है अपना कि कॉन्फिडेंस दिखाओ। यही होती है अंधभक्ति की, किसी की सुनेंगे नहीं, बस अपनी खुद अपने एक अजम्पशंस पे चलेंगे। हमारा काम है, हमने आपको बता दिया, आपका काम है समझना है समझिए, ना समझे मैं ना। 2012 में मैं इस तेजेंद्र बग्गा के साथ में दिल्ली में रहता था, तो जंतर मंतर पे और सारे प्रोटेस्ट में साथ में रहता था, तो वीडियो बनाता था। और सबसे बढ़िया बात मेरी ये थी कि मैं 2011-12 से फेसबुक पे हिंदी में कंटेंट लिख रहा हूँ, और ये मैंने इसलिए मेरी वहां पकड़ हुई। पहले मैंने जो वीडियो लाइव आया था मैंने उसमें कहा था कि इनकी हिंदी बहुत अच्छी पकड़ है, इनकी बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये बात मैंने कही थी, क्योंकि मैंने पढ़े इनके एक दो चीजें। हिंदी की वजह से ही मुझे पकड़ा। दूसरी बात, मैं सारी किताबों पढ़ता हूँ, मैं ऐसे फालतू ऊटपटांग नहीं लिखता, बिना सोर्स के कोई चीज नहीं लिखता। मेरे घर पे 1,000 किताब पड़ी है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी मेरे गांव की मेरे घर में। जितनी इन लोगों ने धार्मिक किताबें और ये देखी नहीं है ना, उतनी किताबें तो मेरे घर में, इन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत सारे आपके 3,000 लोग देख रहे हैं, इनमें से तो कई लोगों ने किताबों का नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा एक बात, एक मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको ये सब बताने के बाद आपका दिल हल्का हुआ, दिल पे बोझ कुछ हल्का हुआ? बहुत हल्का, बहुत हल्का। अभी अभी मेरा थोड़ी देर पहले ना सर दर्द कर रहा था, गोली लेके सोने का प्लान था, अभी एकदम खुश हूं मैं आज कि कम से कम मेरी अंदर की जितनी मेरे अंदर इतने दिन से है ना घुटन हो रही थी कि इस चीज को मैं बताऊं किस प्लेटफॉर्म पे। लिख भी रहा था लेकिन लिखने से कोई सुनता नहीं, एक आवाज देने में और एक लिखने में रात दिन का फर्क होता है। मैं ना कई बार यूट्यूब पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊं और जनता को बता दूं हकीकत, लेकिन वो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है वीडियो वाला बोलने का। और नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एमकेडी ले आएगा, एमकेडी ने यही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है लोगों में। बिल्कुल बिंदास बोलिए। तो हमारे है ना, हम जाते हैं इसमें आदर्श जाट महासभा के संस्कार शिविर में, रामनारायण जी तो हमें बार बार बोलते हैं कि आप बोलना सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा दो सवाल एक और पूछूंगा जो लोगों के आए हैं, पता नहीं अब लोग बात सुन रहे हैं तो सुन ले। एक तो बताइए कि ये जो आपने पप्पू की जो छवि बनाई है राहुल गांधी की, और एक जो बीजेपी आईटी सेल ने बनाई है भगोड़े की जो छवि बनाई थी अरविंद की, इसके पीछे क्या क्या एंगल था? ये पप्पू अरविंद कहाँ से पता अरविंद लगा? तो बीजेपी का आदमी है, अरविंद तो बीजेपी का आदमी है, अरविंद बीजेपी का आदमी छोड़ है? दो इसको, तो अच्छा, अरविंद तो बीजेपी का, इनकी तो आपस में चैटिंग रहती ये कैसे कह है, सकते रात हैं? में एक घर में बैठते हैं, सारे काम इनके एक साथ होते हैं, फोन पे काम होते हैं सब इनके। और कुमार की? कुमार का पता नहीं, वो तो डावाडोल है, कभी इधर उधर भाग रहा है, वो तो अपनी सीट खोज रहा है ना। तो आपके हिसाब से इसके अंदर ओएसी बंधुओं की और अरविंद की, ये सब बीजेपी के साथ? ओवैसी जितनी जितनी ओवैसी बंधुओं की बीजेपी से पट रही है ना, उतनी तो शायद ही किसी राम रहीम की पट रही होगी। चलिए ठीक है, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा ना, मैं सोच में पड़ गया था कि यार ये ओवैसी राम राम गालियां देता था, राम की माँ ये वो फलाना ढिमका, और ये एक थाली में खा रहे एक साथ में, वो क्या बोलते हैं लाल वाला जूस पी रहे लिमका वाला। रहमान सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं आईटी सेल का सबसे बड़ा बेवकूफी था इसलिए इसको बाहर कर दिया था। हाँ ऐसा मान लो कि मैं बेवकूफ था। अब तो रहमान भाई, अब बेवकूफ आप हैं या ये हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि
क्योंकि आपको ना सर्टिफिकेट देने की जरूरत है और ना हमें सर्टिफिकेट। अच्छा रहमान भाई अगर मैं बेवकूफ होता ना तो आज गांव में आके है ना खेत में पूरी रात में ये गाय भैंसों के पीछे, हिरणों के पीछे, ये नील गायों के पीछे नहीं भाग रहा था, वहां 30,000 रुपए मिल रहे थे, 1,000 रुपए पर दिन। दुख होता है आज के युवा की, ये हो गई है नेचर की, अगर सच भी बताएं तो उनको आदमी बेवकूफ लगता है। और अगर यही नहीं, होता बेवकूफ ना, बेवकूफ तो हूँ मैं, बेवकूफ तो हूँ, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि बेवकूफ है, 30,000 की नौकरी छोड़ के यहाँ खेतों में गायें चरा रहा है। एंथनी ही वुडंट नो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, ये तो बीजेपी आईटी सेल में है। एंथनी हमारे एक और सवाल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ है अगेंस्ट है आपके हिसाब से? बीजेपी आईटी सेल जिस तरह प्रोपेगेंडा करता है उस हिसाब से इन 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 इनको ये इन इनको बता दो कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नहीं होती तो अटल बिहारी की सरकार कैसे बनती। पॉइंट है, आपकी पॉइंट है, लोग बाग भूल भी जाते और 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 ये लोग बोलते हैं कि भाई कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ है या आरएसएस कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं होती ना आरएसएस कब की खत्म हो जाती। एक बहुत बढ़िया सवाल आया है अभी, बाजीगर है कोई खुशी बाजीगर, संबित पात्रा का क्या रोल होता है? ये संबित पात्रा है क्या आइटम, ये क्या है, ये इसके बारे में जरा 2-4-5 मिनट बताइए, ये बड़ा एक्साइटिंग इसको, लगता है मुझे। मुझे ये बर्मित पात्र है, संबित पात्रा नहीं है, बर्मित पात्र है, इसको कुछ भी समझ में नहीं है, ये कुछ भी बस हर चीज में बोल देता है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तू मुल्ला है, तू देशद्रोही, ये देखते नहीं हो, इसकी डिबेट देख के हंसी नहीं आती आप लोगों को। मैं तो देखता ही नहीं आजकल, तो ऐसे बोलता है बैठ जाइए चुप हो जाइए, मुझे मैं मेरे इरिटेट मेरे करता है। घर में मैं जब से बीजेपी की आईटी सेल छोड़ के हूँ, मेरे घर में टीवी था, वो भी दिल्ली जाके बेच के आ गया। चलिए हमारे बहुत हमारे फेसबुक पे एक दोस्त है, अभी आपकी वीडियो भी देख रहे हैं, अविनाश भाई, मैं इनको ही टीवी बेच के आया था 22,000 रुपए में, 22.5 में खरीदा था, 22 में बेचा था 2 साल बाद। अच्छा, चलिए नहीं, आपने जो आंखें खोलने वाली एक बातें कही है, लोगों को समझ में आ जाए और दिल खोलें, अपना दिल बड़ा करें और आंखें भी खोलें। टीवी से दूर होने के बाद में ना बहुत सारा मतलब कम से कम शरीर में ऊर्जा बढ़नी भी शुरू होगी, रात दिन खून जलता है टीवी देखने से, और टीवी में रात दिन हिंदू मुल्ला इनके अलावा कोई डिबेट नहीं आती, तलाक फलाक पता नहीं, गाय भैंस पे गोबर पे घूम रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि गायों की यहाँ हमारी हालत क्या और क्या। हम अभी है ना राजस्थान में 89 किसान गायों की वजह से मर गए, 89 किसान जिनको गायों ने सींग घुसा घुसा के मार दिए। बाप रे, कल रात को मैं एक भाई से बात कर रहा था, पीछे से 40 हिरण घुस गए थे, उसमें से एक हिरण के इतने भयंकर सींग थे, मैं सोचा आज ये सामने हो गए, वो ऐसे ऐसे करने लग गया था। चलिए ठीक है महावीर भाई, आपका बहुत समय ले लिया मैंने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आईबी और ये जो भी हैं, अगर मेरे को ट्रैक कर रहे हैं या बीजेपी वाले कर रहे हैं तो मेरे से सीधा संपर्क करें, मैं देश में मैं तो बोलता हूँ मेरे को भी ट्रैक करते रहो, मेरे मेरे कागजात, मेरे है ना फेसबुक मेरे दस्तावेज मेरे आपको पे है ना गलत इस साबित पे। करके दिखा दीजिए, अगर गलत गलत साबित करके दिखा देंगे तो मैं देश में आके कानूनी व्यवस्था के सामने खड़े होने को तैयार हूँ, नहीं तो नहीं बीड़ा इंटेलिजेंस बजाते रहिए। इंटेलिजेंस है ना, दस्तावेजों के लिए नहीं करी, इंटेलिजेंस तो आप जैसे पाकिस्तान वालों से बात करते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान वालों से बात करता हूँ कई लोगों से, इसीलिए मेरे पीछे आपके पीछे पड़ सकते हैं ना, मैं तो तो पाकिस्तान, जैसे रियान जैसे अरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा आदमी है यार रियान भाई है, रियान अल्लाह वाला है, ऐसे लोगों से हम तो बात करते हैं, कौन महावीर रोकेगा। भाई, यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन 14 और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस साथ में बनाने की सोच रहा है, 2 लाख आदमी जो इंडियन है और 60,000 पाकिस्तानी है, इस साल डेलिस के अंदर क्या कर लेगी आईबी? आईबी हमारे को कुछ नहीं कर सकती, हमारा क्या कर लेगी वो? नीरव मोदी, ललित मोदी और वो, उनको तो पकड़ नहीं पाई, हम क्या कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तानी, मेरे यहाँ तो कॉफी पीते हैं, हम उनके घर जाते हैं, रोक लेंगे क्या? हमारे बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, रोक लेंगे क्या? साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं, रोक लेंगे क्या? बेवकूफ हो गई क्या आईबी? सीमा का आप बंटवारा कैसे हो गया, करते दिलों का हैं? बंटवारा कैसे करोगे। अरे ये कुछ नहीं यार, यहाँ तो देखो ऐसा नहीं है अमेरिका में, आप इससे पूछ लीजिए, यहाँ हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग को ये सब चीजों में बात नहीं करते, हम लोग क्रिकेट भी साथ देखते हैं, सब साथ है। ये जो अनपढ़ लोग हैं ना जिनका काम धंधा नहीं है वो ये सब चीजों में उलझ गए हैं, और यही 31% हाँ ये लो इंटेलिजेंस है जो पता था ये है और यही एक वोट बैंक बन के खड़ा हो गया है, बाकी और कुछ नहीं है। बीजेपी में कई लोग नहीं, आके इकतीस पहले गाल परसेंट दिया करते हैं, नहीं 31% में तो सिमटती है, 31% जो लो मेंटेलिटी वाले वही लोग तो उसमें है, पढ़े लिखा हुआ आदमी तो इन चीजों में पढ़ता ही नहीं है, जो आदमी मैट्रिक पास या बीकॉम बीएड कर चुका है उस आदमी का आप फेसबुक पे देख लो, कहीं पे भी सर्वे करा लो, वो आदमी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं मिलेगा आपको, मेरे जैसे 10वीं फेल आदमी मिलेंगे इसमें। मुझे एक बात की बहुत ज्यादा खुशी है और एमकेडी परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी आप पे नजर आईबी रख रही है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।
आगे जाके देखिए होता है क्या। हम तो देश को जोड़ के रहेंगे, देश में हर मोती को एक साथ पिरो के रहेंगे, ये हमारी जिंदगी का मकसद है और हम इसको करके रहेंगे। और अगर हम खत्म भी हो जाते हैं तो हमारे आगे हमारे बच्चे इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, ये भी गारंटी है, क्योंकि हम उनको ट्रेन कर देंगे कि तुम्हें इस तरह काम करना है। दैट्स इट, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो तिलक लगाए, चाहे वो टोपी लगाए, चाहे वो पगड़ बांधे, चाहे वो क्रॉस लटकाए, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पीछे ठप्पा लगा हुआ है हिंदुस्तानी का, वो बड़ा ठप्पा है सबसे, सबसे बड़ा ठप्पा हिंदुस्तानी है। अभी मैं जैसे ऐसे बैठा हूँ, यहाँ से टोपी उठा के सिर पे रख लूंगा, मुसलमान बन लूंगा। मेरा एक वीडियो है ना जो 25,000 शेयर किया था मैंने, वो भी पहन रखा था भगवा और टोपी भी लगा रखी थी, लोग कंफ्यूज हो गए, अभी भी कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे मुल्लों का दलाल है, ये अब मैं अब मैं, अब मैं, अब मैं ऐसे हो गया, मुझे मुझे आरएसएस का कर दो, घोषित किया हिंदू घोषित। ये गजब है ये चीज यार भावीर भाई, मतलब तो आपकी बात ये मैं रखता हूँ, गमछा मोटी मोटी बात खेत में, आगे जितने प्राइवेट पेज भी चल रहे हैं ये भी बीजेपी आईटी सेल से सपोर्टेड है, ये सब जो मैं आज जो आपकी बात समझ रहा हूँ। अब मैं खेत में जाता हूँ, सर दर्द करता है तो ये रखता हूँ गिल्ला करके ठंडा, तो अभी इसका कलर भगवा है तो आप इसको जोड़ दो रंग से। नहीं 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 आप हमारे भाई हैं, आपका रंग आपको हक है, आप जो पहने इसमें हम कभी नहीं बोल सकते, आपको भगवा अच्छा लगता है भगवा पहने, किसी को हरा अच्छा लगता है हरा पहने, तिरंगे के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नहीं आप कुछ भी पहन सकते मुझे हैं। मुझे धर्मों से मतलब नहीं है, मेरी कौम हर धर्म में है, मेरी कौम हर धर्म में, मैं उस कौम से बिलोंग करता हूँ, जाट कौम से, जो हर धर्मों का पोषण करती है। मुसलमानों में भारत में सबसे ज्यादा आबादी जाटों की, पाकिस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा जाट है, 65% पाकिस्तानी जाट मुसलमान है। देखिए क्या नॉलेज है इनकी, ये सब सीखने की बात है, पता ही नहीं था, मुझे तो नहीं पता था कि और पूरे पंजाब में, पंजाब पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में आज तक जाटों की सरकार के अलावा कोई हिला नहीं पाया, आज तक बेनर्जी भुट्टो जाट थी, अच्छा सद्दाम हुसैन जाट था, खोकर गोत्र वाह, जाट। जाट एक जाति नहीं है, इसको जाति में तो खाली भारत में समेट रखा है, जाट जाति भी नहीं है, जाट कोई धर्म नहीं है, जाट एक नस्ल है, जो किसान, जमीन, गरीब, आम आदमी, मजदूर सबकी हेल्प करने वाली कौम है ये, उससे उस कौम में मैंने जन्म लिया, मैं भाग्यशाली हूँ। बढ़िया, ये कहते हुए मुझे फील होती है कि भारत की सेना से लेके सब जगह हम सबसे आगे रहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा मेडल लाने में, भारत में सबसे ज्यादा शांति में, आज तक हमारा कोई दंगा नहीं हुआ, आज तक हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया 1% भी, न हमारे पे मुगल राज में भी हमारे पे नहीं हुआ, राजपूत राजों में थोड़ा बहुत हुआ था, मुगल राज में हम पे बिल्कुल जुल्म नहीं हुआ था, हमसे पंगा ही नहीं लिया उन लोगों ने कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी काम है, इनको क्या लेना देना हमसे, इन राजनीतियों से हमें क्या लेना, राजनीति में तो अब घुसा है हमें। जैन समाज में भी जाट है, आपके जैन समाज में। है मेरे को किसी समाज से मत जोड़ना कभी भी, मुझे एक जिज्ञासा होती है, मैं हिंदुस्तानी है मेरे लिए समाज, नहीं और वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी मेरा है, हिंदुस्तानी है, लेकिन एक मान्यता तो मानते हैं ना आप, मैं एक नहीं मान्यता मान तो मानते हैं ना मैं आपकी नहीं एक मानता, मैं जैन समाज जो बोलता है मैं तो करता ही नहीं, मैं तो मीट भी खाता हूँ, नहीं, मैं स्कॉच भी पीता करता हूँ, भी मैं भी नहीं। ना 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 मैं ये सब, मैं जकड़ नहीं सकता अपने आप को किसी रिलीजन में, मुझे बहुत एक तरह से घबराहट होती है कोई मुझे अच्छे जोड़ ना जाए। अच्छे इसीलिए तो हम आपकी इज्जत करते हैं, हम कई बार आपको घेरने की कोशिश करते हैं फिर भी आप घेरते नहीं। तो आप बीजेपी आईटी सेल वाले भी समझ जाओ यार, मुझे घेरने का मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, यहाँ पे लड्डू ही मिलेंगे, भाइयों मैं बिल्कुल मिलेंगे। अभी भाई को मैं पिछले 1.5-2 साल से घेर रहा हूँ, बहुत तरीके से घेरा इन लोगों को, चारों ओर से घेरा, कितनी गालियां दी इनको, किसी भी तरह से जो कुछ करना था बहुत घेरा, भाई ये आदमी आपके बस का नहीं है, चलिए ठीक, निकल लो इन चीजों से। चलिए ठीक है महावीर भाई, अपना ध्यान रखिए, और कोई भी हमारी तरफ से कोई भी आपको मदद चाहिए हो बेझिझक, हमारे रफीक भाई हैं, मैं हूँ, कोई भी है एमकेडी परिवार का जिसका फ्रेम लगा है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये देशभक्ति के लिए आपने सबसे बड़ा आज की तारीख में एग्जाम्पल सेट किया है, जिसके लिए तहे दिल से बहुत ये मेरा शुक्रिया। फर्ज था, और मेरा फर्ज था कि कम से कम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलूं मैं, हालांकि मेरे पास है सामाजिक प्रोग्राम के भी अच्छे प्रोग्राम आते हैं, हनुमान जी बेनीवाल की रैलियों में जाके वहां पे भी बोल सकता हूँ मैं, वहां 5-7-10 लाख की भीड़ होती है, वहां पे भी बोल सकता हूँ ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस सोशल मीडिया ही आगे का 50% जो चुनाव की हार जीत, कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, अब जमीन पे तो है नहीं, है जमीन पे हर हर घर में सोशल मीडिया घुस गई है, तो ऐसा तो है पूरे भारत में, ऐसा कोई घर नहीं बचा है। सही बात है, चलिए बच के रहिए गलत लोगों से, अच्छे लोगों से जुड़िए, चाहे वो कोई भी हो, तो बीजेपी में ठीक, भी सब धन्यवाद। गलत आदमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, कांग्रेस में सब भी गलत नहीं है, मैं सब सब गलत, गलत थोड़ा ही बोल रहा हूँ मैं, चलिए सब गलत नहीं है, कांग्रेस में भी गलत नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का तो इतना प्यार प्रेम है, क्या बात है, देखने को मिला मुझे ऐसा प्रेम, मुझे यहाँ मोहब्बत के दंगे परिवार में करना है अभी, जैसे बीजेपी कांग्रेस का प्यार है ना। मगर आपके हिसाब से बीजेपी, कांग्रेस, MIM और अरविंद सब एक ही हैं?
एक ही है, बाहर गालियां देते हैं अंदर तो सब एक ही है। अच्छा, ये ना एक चीज मुझे इसके इसके ऊपर है ना जातिवादी तगमा मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं बोल दूं क्या क्या कि बीजेपी आईटी सेल में सारा का सारा शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस की आईटी सेल में कॉमरेड कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं ना जिसको, उसकी आईटी सेल में, आम आदमी पार्टी की आईटी सेल में और ओबीसी की आईटी सेल में, 500 पार्टियों की आईटी सेल में शीर्ष नेतृत्व सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। वो तो पता है, ये तो सबको ही पता है। शीर्ष नेतृत्व बोल रहा हूँ, जैसे सीताराम येचुरी, ये जितनी पार्टी के कॉमरेड पार्टी कम्युनिस्ट के जितने भी ऊपर के है ना पदाधिकारी, कन्हैया कुमार को देख लो अभी नया नया आए, भले ही इनकी विचारधारा अलग अलग है लेकिन ये शाम को एक थाली में बैठते। सोचना पड़ेगा कोई तोड़, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टूटेगा ये भी, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। एनीवे आप लोगों का बहुत जी बहुत शुक्रिया धन्यवाद, भाई लोग, 3,000 लोग देखे थे, अभी जय 2,600 हिंद, लोग हैं। और महावीर प्रसाद जी अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कभी भी आपको हमारी किसी भी चीज़ की मदद की जरूरत पड़े हम हाजिर हैं आपके लिए। और किसी भी चीज़ की चिंता मत करिएगा, राजस्थान में तो आप किसी भी हालत में, ठीक, धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद। थैंक यू सो मच भाई।